हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज फिर मैं आपके सामने, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडी कैंपस में। आप सभी को कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे कुछ अजम्पशंस एंड कुछ प्रिंसिपल, और IFRS भी करेंगे और गैप भी करेंगे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो भूलना नहीं है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है सारे कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अजम्पशन एंड प्रिंसिपल। तो आज का टॉपिक जैसे कि अजम्पशन और प्रिंसिपल है, तो एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है? एक एक करके हम समझते जाएंगे और उसको अप्लाई करते रहेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन या प्रिंसिपल। देखो, अजम्पशन बोल लो, प्रिंसिपल बोल लो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके सामने दो बिजनेसमैन हैं, उन दोनों बिजनेसमैन का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, और आपको वो दोनों जो भी बिजनेसमैन हैं उसका मुझे बताना कौन कैसा काम करेगा। एक मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है? और एक्स वाई जेड, और एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आपके सामने बना लो। बैलेंस शीट पता है ना क्या होता है? जहां पे हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रखते हैं उसे बैलेंस शीट कहते हैं। एक एक्स एंड वाई है, ठीक है? सर, कैसा होता है बैलेंस शीट? देखो, मैंने सामने आपके बना रखा है, इधर एसेट को रखा जाता है, इधर लाइबिलिटी को रखा जाता है, और इसमें रखते हैं अमाउंट के। जैसे सर कुछ करके दिखाऊं, जैसे मैंने बोला बिल्डिंग, तो जो भी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लेते हैं 5 लाख का, इधर आ गया सिंपल एसेट्स। जैसे मैंने बोला क्रेडिटर, सिंपल क्रेडिटर आपने यहां दिखा दिया, सपोज 20,000। जैसे मैंने बोला डेटर, तो डेटर एसेट्स है ना, पता है ना आपको, इधर दिखा दिया हमने, बस सिंपल दोनों साइड बराबर होता है। एक और कंपनी आपके सामने बनाता हूँ, PQR लिमिटेड, और इसका भी बैलेंस शीट बना देते हैं। आपको बस मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये लाइबिलिटी और ये एसेट अमाउंट, ठीक है? कुछ एसेट्स भी डाल दे? हाँ सर, एसेट्स भी डाल दो। चलो, मशीनरी 10,000, लाइबिलिटी भी डाल दे। बिल्कुल सर, लाइबिलिटी डालो इसमें, बिना लाइबिलिटी का ठीक नहीं लग रहा। चलो 5,000, कैपिटल भी डाल देते हैं। चलो, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आज ही देखेंगे हम, ठीक है? चलिए, ये साइड दोनों बराबर होता है, जनरली है नहीं, बराबर होगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहा मैं। ये कंपनी ऐसी कंपनी है और एक ये कंपनी आपके सामने, मैं दोनों की वाकयात बताता हूं। इस कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा नहीं रखूंगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और इस कंपनी ने ऐसा कोई माइंड में सोचा ही नहीं है, ऐसा कुछ भी इस कंपनी ने माइंड के अंदर नहीं सोचा कि बंद करूंगा। दोनों सिमिलर नेचर की कंपनी है,
अब मान लो यहां पे एक व्यक्ति आता है, एक कस्टमर आता है और बहुत पुराना कस्टमर है, और ये कस्टमर अगर मान लेते हैं इस कंपनी के पास जाए और बोले मुझे 20,000 रुपए का उधार दो, मैं आपको परसों दे दूंगा, तो क्या ये कंपनी इसको उधार देगा? बोलो क्या ये कंपनी इसको उधार देगा? देगा ही नहीं देगा, बताइए। उधार देगा? अरे भाई देगा क्यों, क्यों देगा उधार? जब बंद कर रहा है तो इससे क्या मतलब, कस्टमर रहे ना रहे, हम तो कस्टमर तब बनाते हैं ना जब चालू रहेंगे। तो आंसर है कि ये कंपनी इसको उधार नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो ये कंपनी है इसको पता है मुझे बिजनेस बंद करना है, उधार दूंगा तो कब पैसे रिकवर करूंगा, नहीं करूंगा, इसलिए इसको उधार नहीं देगा। ठीक है, जितने भी बिल्डिंग है इसको क्या करेगा, बेच देगा। बंद तो तभी होगा, जितने भी डेटर है उनसे पैसे रिकवर कर लेगा, क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा और ऐसे बिजनेस बंद हो जाएगा। यही कस्टमर फिर यहां आता है, मान लो यही कस्टमर यहां आता है और इससे बोले उधार देने को, तो ये बोलेगा हाँ मैं उधार दे दूंगा, और इसने उधार देते ही अपने बैलेंस शीट में क्या लिखा, डेटर, डेटर 5,000 रुपए का। ठीक है, अब इसने उधार, इसने अपनी कंपनी को बंद करना था इसलिए उधार नहीं दिया, ये अपनी कंपनी को बंद नहीं करना चाहता था इसलिए इसने उधार दे दिया, इसने गिवन किया, दे दिया, और इसने नॉट गिवन। ठीक है, अब जब इसने उधार दे दिया है तो देने के बाद मान लो कल के दिन ये पूरी तरीके से, अभी देखा होगा हाल फिलहाल में, कल के दिन पूरा बिजनेस इसका बर्बाद हो जाए, यानी दुनिया में कुछ बचे ही ना, ये सोच लो, तो इसका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। हो सकता है, नहीं हो सकता, मन में सोचो, कल के दिन बिजनेस बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट इसके बिजनेस पे बैन लगा सकता है, पक्का नहीं, मैं भी नहीं जानता पक्का, तो क्या इसका ये बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी ये इसको उधार दे रहा है क्योंकि ये इसके बारे में जानता ही नहीं है, और इसके मालिक के माइंड में एक ही चीज होता है, यार मेरा बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा और कभी बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन ये तो पता चल गया इसको कि ये बिजनेस नहीं चलाएगा, तो इसलिए अपने बिजनेस को क्लोज करेगा, तो ये उधार नहीं देगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को करता है तो माइंड में एक बात लेके चलता है कि हमारा बिजनेस नेवर बी शट डाउन, कभी बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सर ऐसे कैसे मान सकता है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसने अगर इसको उधार दिया तो इसके मन में तो यही है कि इसका बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। सेम हम एसेट्स के ऊपर ना डेप्रिशिएशन लगाते हैं, डेप्रिशिएशन क्या होता है सर, ये एसेट्स जो है इसके एसेट्स पे, जैसे 10,000 की मशीनरी है, तो बच्चे आज के डेट पे 10,000 है तो कल थोड़ी ना 10,000 रहेगा, ये यूज करेंगे तो इसका वैल्यू में तो कमी आएगा ना, तो जैसे मान लो कल 9 का रह जाता है, तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा के, और इसने रखा कितने का, 9,000 का, तो अब ये 9,000 रुपये का बचेगा इसका अगले साल, इसको पता है, तो बैलेंस शीट में कितने का दिखाएगा, ये 9,000 का। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है, हम जब बिजनेस को करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स क्या होते हैं कि हमारा बिजनेस कभी ना तो शटडाउन होगा, ना ही कभी बिजनेस मेरा बंद होगा, और मेरा बिजनेस हमेशा के लिए सदैव चलता रहेगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसमें मेजर मेजर की पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो इसके माइंड में, ऑनर के माइंड में क्या नहीं होगा कि मेरा बिजनेस कभी बंद होने वाला है या नहीं है, आंसर दो फटाफट से। इसके माइंड में होगा कि मेरा बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। वो कैसे ये बोल पा रहा है, क्योंकि हमारे बिजनेस पे क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एग्जाम्पल, हम मशीनरी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि कल भी इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई कंपनी गारंटी या वारंटी दे रहा है तो वो मान के चल रहा है कल हमारा बिजनेस रहेगा, कस्टमर को कोई दिक्कत आएगी तो वो हमारे पास आएगा, यानी कल का तो देखो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कल का, तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब बिजनेस कर रहे हैं तो क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस कल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ देते हैं, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कब तक चलेगा, इनफाइनिट लाइफ,
अनंत काल तक मान के चलते हैं चलेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला चलो मैं 10 लाख रुपए देता हूं बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन होगा, अरे यार बड़े अच्छे से बिजनेस करूंगा और बिजनेस करने के बाद बहुत अच्छे बुलंदियों ऊंचाई पे ले जाऊंगा। अगर आपने माइंड में सोच लिया कि मेरा बिजनेस बंद होगा, तब तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कहता है दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट, अज्यूम मतलब माना जाता है एन बिजनेस हैज इंडिफाइनिट लाइफ और एग्जिस्टेंस, बिजनेस का जो लाइफ है वो अनंत काल तक रहेगा, बंद नहीं होगा। इट अज्यूम दैट बिजनेस नाइदर इंटेंशन टू लिक्विडेट, हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं होगा कि हम बिजनेस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अगर आपका इंटेंशन है कि बिजनेस को बंद करोगे तो आपका बिजनेस बेकार है फिर तो। नॉर स्केल डाउन, नाइदर ना तो होगा बंद करना, नो स्केल डाउन के बर्बाद हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं सोचेगा। स्केल डाउन का मतलब भी हो जाता है बंद हो जाना एक तरीके से। तो मेरे नोट्स में भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ था, स्केल डाउन के ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, बंद हो जाना। इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, और ये हमेशा जो है वो चलता रहेगा। एग्जाम्पल मशीन परचेज 20,000 का, मान लो मशीन परचेज किया तो बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू, सिखाया था ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहां पे आ गया मशीनरी। और इसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर 10 साल इसका लाइफ है ना, तो हम इस मशीनरी को कब तक दिखाएंगे बैलेंस शीट में, 10 सालों तक दिखाएंगे। अगर 1 साल का भी लाइफ ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन में कि हमारे बिजनेस जो है वो लंबे समय तक ना ही बंद होगा ना ही स्केल डाउन होगा, हमेशा के लिए क्या होगा, चलता रहेगा। समझ में आई बच्चे आपको बात? तो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, हम अजम्पशन लेते हैं कि माय बिजनेस नेवर विल बी क्लोज डाउन इन फ्यूचर। बताइए गोइंग कंसर्न है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, या फिर आपका फुल डिस्क्लोजर है, 4-5 पॉइंट दे देगा। तो आंसर इज गोइंग कंसर्न। इस पे कुछ एमसीक्यू भी हम डिस्कशन कर लेंगे, और आपके नोट्स में भी मैं कुछ एमसीक्यू इसके बेसिस पे डाल दूंगा। तो समझ में आए क्या? अब रिपीट करिए फटाफट से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर अजम्पशन लिया जाता है, माना जाता है कि बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, बिजनेस हमेशा के लिए क्या होगा, चलता रहेगा। इसी को कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, बंद होना। स्केल डाउन का मतलब बंद होना। क्लियर? क्या प्रूफ है सर? तभी तो हम अपने बिजनेस में उधार देते हैं। अब कल के दिन वो रहेगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये थोड़ी जानते हैं हम, तो मानते हैं कि वो रहेगा, यही तो अजम्पशन है हमारा, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब फटाफट से आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले अजम्पशन पे चलेंगे, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, फटाफट नोट करिए आप। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले हम कुछ बेसिक चीजें पता कर लेते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में क्या रखा है बाद में करेंगे। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं, डेप्रिसिएशन आपको समझना है, ये डेप्रिसिएशन है क्या, ठीक है। डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा मोबाइल फोन है, अगर मैंने अपना मोबाइल फोन 20,000 रुपए का खरीदा है, सपोज विद एग्जांपल 20,000 का खरीदा है, तो खरीदने के बाद ये मेरा मोबाइल फोन क्या 20 का बिक जाएगा एक महीने बाद? नहीं सर, 20 का तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, 20 से कम का ही बिकेगा। हाँ जी सर, ये 20 से कम का बिकेगा। 1 साल बाद क्या 20 से ज्यादा का बिक जाएगा? नहीं। मैं पूछूंगा क्यों नहीं बिकेगा 1 साल बाद, तो आंसर इज दैट कि आप जब मशीनरी को खरीदोगे, यानी ये मोबाइल को खरीदोगे तो यूज करोगे, तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई आपकी, आपने इसको इस्तेमाल कर दिया, इसको घिस दिया इस तरीके से, तो कितनी वैल्यू दोगे? सर हम तो आपके मोबाइल फोन की देंगे 5,000। 5,000 नहीं, मैं तो बेचूंगा 21 में। खरीदोगे क्या? आपने बोला सर नहीं नहीं हम मार्केट से ले लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया फोन आ गए अब, तो आपका फोन कौन लेगा, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 15,000 मिल जाएंगे।
तो यानी इस सिचुएशन में देखा जाए तो मेरे एसेट्स का जो वैल्यू है ना वो डाउन अप हर कोई अलग-अलग बताएगा। लेकिन हमें एक बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, एक पैरामीटर फिक्स करना होता है कि भाई इस एसेट्स की इतनी वैल्यू एक साल में डाउन होगी। हमारा बेचना तो उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना डाउन होगा कंफर्म है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे एसेट्स की वैल्यू 10% डाउन होगी, तो इस साल हमारे फर्स्ट ईयर में मेरा एसेट्स का वैल्यू 2000 रह जाएगा। 10% कैसे निकालते हैं पता ना, मैथ्स में तो आप सब बादशाह हो मैथ्स के, तो कैसे निकालेंगे, 10/100। ठीक है, तो पहले साल के बाद ये कितने का बचेगा हमारा, 18,000 का, ये सेकेंड ईयर में आ गए। अब बताओ इसके बाद फिर से कम कितना होगा, 10% होगा सर कम, फिर कितना कम होगा, 1,800 रुपये बचेगा, कितना जो भी बैलेंस हमारा है बच जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मेरे एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होना। लेकिन गिरावट अगर हम हर किसी से पूछेंगे तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बताएगा, लेकिन हमें अकाउंटिंग ऐसा करना है जो कि सबके लिए एक समान हो। तो हम एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर फिक्स करते हैं और एक परसेंटेज डिसाइडेड होता है कि मशीनरी पे ये, फर्नीचर पे ये, लैंड एंड बिल्डिंग पे ये, तो उसी के तहत हम सारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लग गया। एक बच्चा कहता है कि सर आप ना इसके ऊपर 2000 क्यों नहीं लगाता, आपने बोला कि आप लगाओगे डेप्रिसिएशन कितना, आप लगाओगे 10%, तो 10% तो इसका 2000 होगा, आप इस पे 1800 क्यों लगा रहे हो। बस यही पॉइंट बताऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स भी होते हैं बच्चे। मेथड्स कौन से होते हैं चलिए एक बार उसको देखते हैं हम ध्यान से। अब आपने डाउट पूछ ही लिया है तो आज मैं आपको समझा ही देता हूं। मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई होशियार बच्चा पूछेगा, और पूछ ही लिया बच्चे ने डाउट। आप सभी होशियार हो, आप सबने डाउट पूछा। तो मेरे डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड की बात करूं, डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड तो दो मेथड हैं डिसाइडेड फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए। एक मेथड होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर अच्छा बिल्कुल, एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हमें कौन सा सीखना है सर? आपको दोनों ही सीखना है। जैसे फर्क क्या है, इसको शॉर्टकट में प्यार से बोलूंगा मैं, SLM, बोलो एक बार प्यार से SLM, और इसको प्यार से बोलूंगा WDV, दो मेथड है। तो डेप्रिसिएशन लगाने के कितने मेथड है, SLM और WDV। सर फर्क क्या है, फर्क बताओ जल्दी जल्दी फर्क बताओ। चलो मैं बताता हूं आपको। मान लो फर्स्ट ईयर में आपका एसेट्स था 20,000 का। हाँ सर 20 नहीं, 10 मानो सर, 10 मानो आप, ठीक है लो 10 मान लिया। और यहां पे भी हम फर्स्ट ईयर में लगते हैं कि 10,000 का था। अच्छा सर अब बताओ, मान लो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है आपका फिक्स किया गया है इस एसेट्स पे 10%। अच्छा सर तो डिप्रिसिएशन लगा दो पहले साल का, बड़ा आसान है सर, ये लो 1,000 रुपये लगा दिया। इतनी सी बात आप क्या समझा रहे हो, बस टाइम खराब कर रहे हो हमारा। नहीं बच्चे अभी पता चलेगा आपको कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। सर ये 10% मत समझाओ, हमें आता है, कोई बात नहीं। अब फिर माइनस करेंगे, ये सेकंड ईयर आ गया ना, सेकंड ईयर दूसरा साल, और ये भी आ गया सेकंड ईयर, सेकंड ईयर दूसरा साल। अब क्या लगाएं, फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करो, मैं DEP लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन को। अब लगाओ सर 1,000। अच्छा सर है सर 1,000। अब फिर से लगाओ डेप्रिसिएशन, सर 900 है सर, ये क्या हुआ, ये आप गलत सिखा रहे हो हमें। नहीं यही तो फर्क है, SLM में जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, WDV का मतलब है रिटर्न डाउन। तो स्ट्रेट लाइन में एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया वही रहेगा। सर एक बार और लगा के दिखाओ एक साल का, अभी लगाता हूं बेटे, अभी लगाता हूं एक साल का, ये आ गया थर्ड ईयर। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं क्या लगेगा डेप्रिसिएशन, सबका जवाब आ रहा है फटाफट से, क्या लगेगा डेप्रिसिएशन बताओ। सर
1,000 ही लगेगा डेप्रिसिएशन। मैंने बोला शाबाश, 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितने बच्चे हमारे पास? ओहो सर, जोड़ना नहीं है, आप भूल गए सब कुछ? नहीं बच्चे, चलो ठीक है। इस पे बताओ, थर्ड ईयर में डेप तो मालूम है सर, इस पे 810 लगेगा। सर 810? बिल्कुल, कैसे लगाएंगे? 10/100। सर अब आप मत समझाओ, हमें आ गया, हमें तो सब कुछ आ गया, ये बस फालतू में आप समझाओगे अब। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है? सर बताओ ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है बिजनेस के लिए? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है? ये एक एक्सपेंस होता है बच्चे, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस। अच्छा एक्सपेंस है ये, ठीक है। लेकिन ये तो सर एसेट्स पे लगा रहे हो। हाँ, एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी तो खर्चा ही तो हो रहा है मेरा, मेरा नुकसान ही तो हो रहा है, तो इसलिए तो मैं इसको क्या बोलने जा रहा हूँ, एक्सपेंस बोलने जा रहा हूँ। चलो अब मैं एक आपको और चीज बताता हूँ, और बताता हूँ एक चीज सर, बताइए। मैंने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, 2 साल का डेटा बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मिनी प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता, हम तो भाई हमने कभी पढ़ा नहीं है, आप पता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अजम्पशन प्रिंसिपल क्या क्या बताते रहते हो। अब पढ़ने का टाइम आ गया है, इसी दिन के लिए तो आपने नहीं पढ़ा था कि आज पढ़ोगे आप। आपका मान लेते हैं कि मैं सेल्स लिखा, सेल्स लिखा मैंने, सेल्स लिखा मैंने 5,000, सेल्स लिखा मैंने 5,000, और मैंने खर्चा लिख दिया पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये, डेप्रिसिएशन लिखा मैंने 1,000 रुपये। तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा, मेरा इनकम है 5,000, तो इसी को हम इधर लिख देते हैं 5,000, ठीक है ना। और इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस क्या कर देते हैं बोलो, ये माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। मान लो ना क्या जाता है, नेट प्रॉफिट आ गया 4,000। हाँ सर 4,000 आ गया। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया वो एसएलएम लगाया है डब्ल्यूडीबी? सर आपने एसएलएम लगाया है, ठीक है। एक और साल का बना के दिखाओ सर, अब तो ये बहुत मजा आ रहा है बनाने में। चलो ठीक है बेटे, एक और साल का बना के दिखाते हैं, एक और साल का बना के दिखाते हैं। पी एंडल, फिर से सेल, इत्तफाक देखो बच्चे, सेल्स तो मेरा कम ही नहीं हुआ ना बढ़ा 5,000, और फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये रहा दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल का है 900, 900 रुपये। अच्छा अब तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हाँ सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। चलो ठीक है प्रॉफिट बढ़ गया सर। और भी बताओ ना एक, चलो बच्चे एक साल का और बना के दिखाता हूँ। ये तीसरा साल है, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल। सर तीसरे साल का सेल्स बताओ, अब तो चेंज होगा? नहीं, सेल्स में फर्क ही नहीं पड़ रहा, सेल्स तो वही है 5,000। सर कैसे नकली बिजनेस बना रखी है आपने, कैसे बिजनेस बनाई, सेल ही नहीं बढ़ रहा। अब डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कौन सा लगाए, कौन सा लगाए, एक बार ये लगाया फिर एक बार ये लगाया, अब इसकी बारी है, ये लगा देते हैं 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। अब आया हमारा 5,000, 5,000 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, 4,000 है, फिर प्रॉफिट मेरा कम हो गया। तो अब बताना मुझे बच्चे, मैंने पहले साल मेथड ये चूज किया, फिर मेथड ये चूज किया, फिर मेथड ये चूज किया, क्या हम इसके प्रॉफिट को, मैंने बोला 4,000, क्या वाकई प्रॉफिट 4,000 है या 4,100 है? तो अगर मैं इस मेथड से लगा रहा हूं तो 4,000, अगर यही मेथड दूसरे साल अप्लाई करता तो कितना प्रॉफिट होता हमारा, 4,000 रुपये। तीसरे साल अप्लाई किया तो देखो 4 है, अगर चौथे साल अप्लाई मैं करूंगा यही मेथड तब भी 4,000 रहेगा। लेकिन हमने क्या करा, कई बार मेथड ये लगाया और कई बार मेथड ये लगाया, इससे अपने प्रॉफिट को कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, इससे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपका प्रॉफिट ठीक है या गलत है। आप डेप्रिसिएशन में अपनी मर्जी से लगा रहे हो, गवर्नमेंट का सुनो क्या कहना है, बोलता है कि आप एक बार कसम खा लो, एक बार सोच लो कि ये वाला मेथड लगाओगे या ये वाला।
आपने बोला सर हम ये वाला लगाएंगे, तो एक बार जो आपने कसम खा ली कि ये वाला लगाएंगे, तो यही मेथड हमेशा लगाते जाओ, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा सर, यानी इस साल भी हमें क्या लगाना था, 1,000 ही लगाना था, तो कितना होगा, 4,000। बिल्कुल सही। अब बताओ हमारा 3 साल में क्या कोई परफॉर्मेंस बढ़ा है क्या? क्या कंपैरिजन कर पा रहे हैं 3 साल को? बिल्कुल कंपैरिजन कर पा रहे हैं। हम बोलेंगे भाई 3 सालों से बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, 3 साल में डब्बा गुल है बिजनेस, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बाकी बिजनेस कहां से कहां चली गई, आपके बिजनेस नहीं बढ़ रही बिल्कुल भी, बेकार है आपका बिजनेस चलाना। हां जी बेटे, तो अगर ये मेथड लगाऊंगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, अगर मैं एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये, तो मुझे कंपैरिजन करने में बड़ी अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। और ये अगर ऐसा करा ना एक बार ये फिर एक बार ये, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हर साल का क्या होगा, गलत होगा। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस गलत होता है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू नॉट प्रेजेंट, मतलब ये सच्चाई नहीं बता रहा, झूठ है ये आपका पीएनएल। अच्छा, ये क्या समझा रहे हो, कौन से टॉपिक से कहाँ आ गए हो आप? तो मैं सर आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है, रिटर्न डाउन में कुछ इस तरीके से डेप्रिसिएशन। ये तो सर समझ में आ गया। अब हमें जो अपना पीएनएल बनाना है, बताओ कौन से मेथड से बनाए? सर एक बार कसम खा लो, जिससे बनाना चाहते हो उसी से बनाओ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर आप अलग अलग से बनाओगे तो आप अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, और कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो आपको अपने बिजनेस की सच्चाई नहीं पता चलेगी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन सा व्यू प्रेजेंट ही करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ बेटे, यही, और यही तो टॉपिक है हमारा आज का। जो टॉपिक है वो क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब मुझे बताना। मैंने ये मेथड एक बार लगाया, फिर ये मेथड एक बार लगाया, फिर ये मेथड एक बार लगाया, क्या मेथड लगाने की प्रक्रिया कंसिस्टेंसी है? नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, बार बार, लगातार लगातार। तो क्या लगातार एक ही मेथड लगा रहा हूं? नहीं सर, लेकिन हाँ इस साल भी यही, अगले साल भी यही, अगले साल भी यही, तो क्या कंसिस्टेंसी है? बस इतनी सी बात समझानी थी। एक बार फटाफट से आप देखेंगे, और हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चलिए चलिए, चिंता मत करिए, आप नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं आप इसे बाद में नोट करोगे, वीडियो को रोक कर देख के नोट करोगे, और आपने कसम खाई है कि आप नोट जरूर करोगे, और आप नोट करोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, आपने कसम खाई है कि नोट करोगे, तो नोट करके ही दिखाओगे, ऐसे नहीं दिखाने मानने वाले आप। चलिए अब हम आते हैं थ्योरी पे, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि सबसे पहले आप मेथड, अगर ज्यादा मेथड है, सिर्फ ये डेप्रिसिएशन पे नहीं, अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन का मेथड होता है, अलग अलग चीज तरीके से, तो सबसे पहले आप क्या करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट सबसे पहले, या फिर सेलेक्ट या फिर अडॉप्ट कर लो। आप सबसे पहले, बहुत सारे मेथड हैं, SLM, WD, अरे W तो लिखा ही नहीं पहले, WDV, दो मेथड हो गया, SLM और WDB। तो इन दोनों में से आपने कौन सा मेथड लगाना है? सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों में से कौन सा मेथड लगाना है, पहले आप सबसे पहले इसमें से चूज करो, सेलेक्ट करो। तो पहला पॉइंट सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको अपने बिजनेस के पीएनएल में लगाने लगो। दूसरा पॉइंट एडॉप्ट करना, ठीक है, उसके बाद क्या फायदा मिलेगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस को एक साल से दूसरे साल में कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बताइए हमें अपनी अकाउंटिंग कैसी करनी चाहिए, एक ही मेथड से करनी चाहिए या मेथड बदल बदल के करना चाहिए? सर एक ही मेथड से करो ना, एक ही मेथड से करोगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, एक ही मेथड से करेंगे। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं एक ही मेथड से क्या क्यों बोला गया ऐसे। देखिए कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट,
दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, नोट्स पे ध्यान देना, जिसका नोट्स नहीं है लिख लेना, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, ये कॉन्सेप्ट बताता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो मेथड है वो रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स होना चाहिए, रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब एक जैसा होना चाहिए। फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से दूसरे साल, दिखाया था करके ना, एक साल से दूसरे साल में कौन सा मेथड होना चाहिए, एक ही मेथड होना चाहिए। दिस विल एंश्योर, अगर ऐसा करोगे तो ये पक्का होगा, एंश्योर का मतलब निश्चित होगा कि आप मीनिंगफुल स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस और नंबर ऑफ ईयर, अपने बिजनेस का जो स्टडी करोगे कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ये एक मीनिंगफुल निकलेगा। अगर मेथड चेंज करोगे तो भाई आपका तो गलत ही आएगा। कंसिस्ट अजम्पशन डज नॉट मीन द पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। और सरकार बोलती है भाई एक बार आपने कसम खा ली तो एक बार झूठी कसम खाने दिया जा सकता है, एक बार आपने अगर कसम खा ली कि इस एसएलएम लगाओगे और बाद में लगता है ओहो कसम खा के बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं बदला जा सकता। कुछ टाइम बाद आप इंफॉर्मेशन करो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, गवर्नमेंट को इंटीमेट करो और उनसे बोलो सर पहले हम एसएलएम लगाते थे अब हम लगाएंगे डब्ल्यूडीबी, तो आप इसको बदल सकते हो। तो वही कहता है कंसिस्ट अजम्पशन डज नॉट मीन, कंसिस्ट अजम्पशन का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वन अडॉप्टेड, प्रैक्टिस का मतलब अकाउंटिंग करते टाइम पे एक बार अडॉप्ट कर लिया जाए, कैन नॉट बी चेंज, इसे चेंज किया जा सकता है, याद रखना चेंज किया जा सकता है लेकिन हर साल मत करना। दे ओनली रिक्वायरमेंट वेन चेंज इट डिजायरेबल, जब आपको लगता है कि इसे चेंज कर देना चाहिए तब चेंज करिए, डिजायरेबल मतलब आपके इच्छा अनुसार। इट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कभी भी चेंज करोगे इसके बारे में बताइए, फुल्ली डिस्क्लोज करिए। अब फुल्ली डिस्क्लोज क्या है अंडरलाइन करिए, अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद, इसको पूरी तरीके से बताइए। Disclose in the financial statement along with the effect of income statement of a balance sheet. और जब change करोगे तो इससे आपके profit and loss पे क्या फर्क पड़ा, जैसे पहले वाले example में 100 रुपए से profit बढ़ गया था तो हमारे profit and loss पे क्या फर्क पड़ा वो भी बताना है। Example, choose any one of several method depreciation like straight line method or WDV method. बताओ समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, आपने मुझे क्या बताया, मुझे एक ही बात बताया कि आपके पास कुछ अकाउंटिंग करने के बड़े सारे मेथड हैं, आप कोई भी एक मेथड चूज करो और उसको साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंसी लगाओगे तो आपका बड़ा ही फायदा होगा। और फायदा क्या होगा, आप बैलेंस शीट को कंपैरिजन कर सकते हो, आप मीनिंगफुल स्टडी कर सकते हो। लेकिन सर अगर आपका मूड चेंज हो जाए, अगर आपको लगता है कि आप नहीं लगाना चाहते, बिजनेस के अंदर दूसरे मेथड की डिमांड ज्यादा है, तो उसी टाइम चेंज कर दीजिए और नए मेथड लगाइए। लेकिन जैसे मेथड चेंज करोगे तो पहले और इस वाले मेथड को चेंज करने में क्या आपके इफेक्ट आया है नेट प्रॉफिट पे, उस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट के नीचे, यानी जो बैलेंस शीट मैंने बनाया था उसके नीचे लिख के बताना है और समझाना है, उसे बोलते हैं डिस्क्लोजर देना, ठीक है ना। जैसे आपने कोई गड़बड़ी करी है तो आप वहां पे लिख कर बताइए कि आपने ये मिस्टेक किया है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा रेलेवेंस, रेलेवेंस देखिए क्या है, इट हेल्प दैट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है इससे, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से, आपने नोट करने के लिए तो दिया ही नहीं, आप वीडियो को रोक करके आपने कसम खाई है कि नोट करोगे तो करके दिखाना है आपने, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक, मजा आ गया इसको करके, मजा आ गया। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तीसरे पे चलो सर, तीसरा भी कोई कराओ ऐसा ही, कोई अच्छा सा कराओ, कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट कराओ, चलो कराते हैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, आप फटाफट से देखिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट कराते हैं। इसे हटा दे, हाँ सर इसे हटा दो, ये तो कसम खाई है तो नोट तो करके ही रहेंगे, ठीक है इसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप सबने नोट कर लिया, अब है हमारा अगला फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसको क्या करेंगे, चलो पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर आप मुझे बताना फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, चलिए सर और कुछ बना के दिखा रहे हो, बिल्कुल
अब मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए कि एक बैलेंस शीट बनाते हैं। सर बैलेंस शीट, अब इस बैलेंस शीट में क्या होता है? अरे बैलेंस शीट एक ही है और उसमें दो एक ही चीज तो रखता हूं मैं हमेशा। और क्या रखता हूं मैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज के अलावा तो कुछ नहीं रखता। एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी और एसेट। हाँ जी एसेट। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आपका नॉलेज मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। आपके पास बहुत पैसा है और आप बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, अपने बिजनेस में नहीं किसी और के बिजनेस में, और वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। ये बैलेंस शीट बना दिया मैंने, ठीक है? मैंने लिखा डेटर 50 लाख। हैं सर 50 लाख? बिल्कुल। बिल्डिंग, बिल्डिंग 40 लाख, स्टॉक 30 लाख। है सर कैपिटल, कैपिटल 2 लाख, कैपिटल 2 लाख। इसके बाद लोन, लोन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 90 लाख। क्रेडिटर, क्रेडिटर चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 20 लाख कर देते हैं, तो क्रेडिटर 10 लाख। चलिए टोटल क्या हो गया? 1.2 करोड़ रुपए, 120 लाख या 1.2 CR। हाँ सर ठीक है। एक कंपनी और बनाता हूँ आपके सामने, ये है मेरा, ये है संता कंपनी, संता कंपनी, संता। अब एक और बनाते हैं, बंता कंपनी, बंता कंपनी। ठीक है चलो बंता कंपनी बना रहे हो सर, बना लो बंता कंपनी। और ये मैं बनाने जा रहा हूं बंता कंपनी। अब आप बताओ क्या क्या एसेट्स रखें? आपके हिसाब से रखेंगे और कोई बात नहीं सर, सेम ही रख लो ना, क्यों पेन टेंशन देता हूँ। ठीक है बेटे मैं सेम ही रख लेता हूँ, कोई समस्या की बात नहीं है। चलो मैंने रखा बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग 40 लाख। अब इसको कम कर देते हैं वैल्यू, दूसरी कंपनी ना बंदा, बंता कंपनी 10 लाख। डेटर, डेटर 15 लाख। और स्टॉक, स्टॉक 10 लाख। बस सर ये तो बहुत कमजोर कंपनी है। कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर 15 लाख, लोन 10 लाख। बस सर बिल्कुल 35 लाख, 35 लाख। चलो आपके सामने मैंने दो कंपनी रखा है, आपका जन जीके टेस्ट कर रहा हूं मैं, आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, तो आप मुझे बताना, आपको अगर बोला जाए कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है, फटाफट बताइए कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है। सबका जवाब एक लाइन से आ रहा है, किस कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है? सर सबसे अच्छी कंपनी दोनों कंपनी से कंपेयर किया जाए तो, अरे नालायक, कुछ बच्चे बोल रहे कि हमारी कंपनी है। आपकी कंपनी तो अच्छी है ही है, आप घूमते हो वो कंपनी अच्छी है ही है, इन दोनों में से बताओ सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। तो आपने बोला सर सबसे अच्छी कंपनी आपकी ये कंपनी है, यानी इसको अच्छा बताया। चलो अच्छा, आपको अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, सर ये इन्वेस्ट वर्ड, इन्वेस्ट का मतलब जब आपके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, तो आप सोचते हो कहीं पे लगा के बैंक के एफडी से हम ज्यादा पैसे कमाएं, तो आप क्या करते हो उसको कहीं ना कहीं लगा देते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन्वेस्ट करने हैं अगर आपको, तो आप बोलोगे सर हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कौन सी कंपनी में? जो कंपनी बढ़िया कंपनी है उसमें करेंगे, हम तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। आपसे बोला जाए अपने दोस्तों को बताना है कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए, दोस्त को कुछ नॉलेज नहीं है, तो बताओ किस कंपनी में बोलोगे दोस्त को लगाने? सर हम दोस्त को बोलेंगे इस कंपनी में लगाएं। ठीक है बेटे, आपने दोस्तों को बताया और इस कंपनी को अच्छा बताया, अब रेटिंग दो इसको, कितने रेट दोगे? सर 5 में से 5 स्टार, 5 में से 5 स्टार। सर 6 होते तो 6 भी दे देते,
ये तो बेकार कंपनी है, 2 स्टार बहुत है सर, एक और ले ही लो, मिटा दो इसका एक और स्टार, एक ही स्टार है, इसको 0 दे दो। नहीं, 5 स्टार और इसको 1 स्टार। अच्छा, यानी आप सभी सहमत है कि आप कंपनी कौन से, संता कंपनी के अंदर पैसे लगाओगे, बंता कंपनी में नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके नजरिए से कमजोर है। अच्छा चलो, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, कुछ बातें मैंने छुपा ली थी आपसे, अब मुझे बताना। पॉइंट नंबर 1, ऑल डेटर आर नॉट रिकवर, नॉट रिकवरेबल। जितने भी डेटर हैं, ये सारे डेटर मर चुके हैं, इसके फैमिली वाले पैसे नहीं देंगे, बकवास डेटर हैं ये। हैं सर, ये तो पहले बताना चाहिए था, अब बता रहा हूं मैं आपको। स्टॉक, ऑल स्टॉक आर एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड हो गया, सारा स्टॉक एक्सपायर्ड हो गया, ये तो बिकेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। हैं सर, ऐसा भी है क्या? अच्छा, कुछ तो बचा ही नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे आपके हिसाब से तो। और बिल्डिंग इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या सर, इसके पास तो एसेट्स बचा ही नहीं, इस कंपनी पे तो सारा कर्जा ही कर्जा है। हाँ, इस कंपनी पे कर्जा ही कर्जा है, आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे दोस्त भी बर्बाद हो गए, अब मैं भी बर्बाद हो गया, और इसको रैंकिंग तो छोड़ो, इसको माइनस में रैंकिंग दो, माइनस स्टार दो, माइनस स्टार, माइनस स्टार बेटे मैं दे नहीं सकता, इसमें तो माइनस स्टार नहीं दे पाऊंगा। सर, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में पैसे लगाएंगे, इस कंपनी में पैसे लगाएंगे। हाँ बेटे, इस कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो देखो, बैलेंस शीट, इसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस शीट, और ये भी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आप क्या करते हो, अपने डिसीजन को क्या करा आपने, बदल दिया, इस कंपनी को गंदी कंपनी बता दिया और इस कंपनी को आपने अच्छी कंपनी बता दिया, बैड और गुड में कन्वर्ट कर दिया, क्या आपका डिसीजन चेंज हुआ? हाँ सर, पहले तो मैं इस पे अड़ा हुआ था, अब इस पे आ गया तो डिसीजन ही तो चेंज है। और क्या, और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यहां पे कि क्रेडिटर गिवन डिस्काउंट 1%, इस तरीके से बातें मैं लिख सकता हूं। तो सबसे पहले जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे हम लाइन से इस कंपनी की खामियां देखो, अच्छा ही ये है और बाकी कंपनी की खामियां, क्रेडिटर अगर डिस्काउंट देगा तो लाइबिलिटी मेरा कम होगा तो फायदा। तो अगर मैं बैलेंस शीट के नीचे कुछ बातें को लिख दूं और उसके लिखने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो बैलेंस शीट के नीचे जब भी मैं कोई बातें लिखूंगा, वो सारी बातें क्या मानी जाएगी, उसको बोलते हैं डिस्क्लोज करना। सर, इसकी भी तो कमियां बताओ, इसकी कमियां ये लो, ऑल डेटर आर गुड, थैंक गॉड आपने बचा लिया, हम इस कंपनी में चले गए, गुड, सारे डेटर अच्छे, सब टाइम पे पेमेंट देते हैं। नंबर 2, बिल्डिंग मार्केट प्राइस 50 लाख। सर, ये क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, मार्केट में बिल्डिंग 50 लाख का बेचा जा सकता है, ये बातें बताई आपने, बिल्कुल सर। तो यानी अब तो सर इसी में लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, मेरे दोस्त भी लगाएंगे, मेरे रिश्तेदार भी लगाएंगे, सब इसी में लगाओ और पैसे कमाओ। तो बताओ, बैलेंस शीट के नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन मैं दिखाता हूं, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डिस्क्लोजर। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। तो बताओ, डिस्क्लोजर का मतलब समझ में आया? फुल डिस्क्लोजर मतलब सारी बातों को दिखाओ, किसकी, सारी बातों को दिखाना, सारी बातों को दिखाना। बातों से मतलब है जो बिजनेस के अंदर कोई गड़बड़ी है तो वो भी दिखाओ, बिजनेस में कोई अच्छाई है तो वो भी दिखाओ, ठीक है, प्रिंसिपल, सिद्धांत, यही तो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपके बिजनेस में कोई भी चीजें ठीक हो या कोई भी चीजें गलत हो, ये आपको बिजनेस के बैलेंस शीट के नीचे दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी होगा,
सर अगर ऐसा नहीं करते तो क्या कार्रवाई होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर को धोखा ना दिया जा सके। अगर हम फुल डिस्क्लोजर रखते हैं और फिर आप बोलते हो सर हम तो इसी में लगाएंगे, और फिर कल के दिन कोर्ट में आते हो सर हमारा सारा पैसा डूब गया इस कंपनी में लगाने के बाद, तो मैं तो कहूंगा कि भाई जब आपका डूब गया तो आपने अपनी इच्छा से लगाया, आपको सारी बातें पता थी इस कंपनी की, फिर भी आपने इस कंपनी में पैसे लगाया है तो आपका पैसा डूबा है, तो हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, कोई रिकवरी नहीं करवाएंगे। लेकिन आपने इस कंपनी में पैसा लगाया और फिर डूबा डूब गया, आप बोलोगे सर उसने तो बताया था सारी बातें अच्छी अच्छी यही सोच करके लगाया, तो गवर्नमेंट आपके पैसे रिकवर करवा देगी। इसके लिए सेबी हमारा एक एक्सचेंज है, हमारा एक बोर्ड है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो इन्वेस्टर के ध्यान रखती है कि कहाँ पैसा डूबे कहाँ ना डूबे। इसलिए देखते होंगे अगर इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी चीज एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको IRDAI देखता है। ऐसे शेयर बाजार में आप पैसे लगाओगे, शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाते हैं, यही बैलेंस शीट तो देख के लगाते हैं। तो अगर सारी चीजें आपको बताई गई है फिर भी आप लगाओगे तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या ये प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है, एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे ज्ञानी बनना चाहते हो, तो जब कभी भी आप बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट में जो कमियां हैं या जो अच्छाई हैं उन सारी बातों को आप बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाना है। सर फुटनोट, ये फुटनोट क्या है, ये देखो बैलेंस शीट का शरीर और ये इसका पैर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फुटनोट। यानी बैलेंस शीट के नीचे जो दिखाया जाता है, फुट का मतलब पैर और नोट दिया है मैंने, देखो मैंने बोला ना नोट है ये, तो फुटनोट। तो हमेशा बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है सर, ताकि इन्वेस्टर अपना डिसीजन खुद ले पाए, इन्वेस्टर का नुकसान ना हो पाए। सर समझ गए, ये तो समझ गए, चलिए सर बता भी दीजिए। चलिए आप देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक बार रीड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल कानूनन रिक्वायरमेंट है, ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन। ओहो सर मटीरियल और सिग्निफिकेंट, मटीरियल तो समझाए नहीं, अरे हाँ मटीरियल समझाए नहीं, मटीरियल नहीं समझाए, चलो मटीरियल समझाते हैं। सर मटीरियल, मटेरियल तो समान होता है, नहीं बच्चे यहां मटेरियलिटी और नॉन मटेरियलिटी की बात होगी। मटेरियल क्या होगा, मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी, और मान लो एक छोले भटूरे वाला, छोले भटूरे वाला, आप बताओ क्या इसको, इसके बिजनेस को बिजनेस और इसके बिजनेस को बिजनेस बोलेंगे, दोनों का बिजनेस है। छोले भटूरे वाले की डेली की कमाई जो है वो 1,000 रुपए की है, बिक्री 1,000 रुपए की करता है, इसकी डेली की कमाई है 5,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की बिक्री करता है। अब हुआ क्या, छोले भटूरे वाले के 500 रुपए खो गए, 500 रुपए खो गए, ओहो रिलायंस के 500 रुपए खो गए। अब बताओ 5,000 करोड़ रुपए में से, सोचते हो 5,000 करोड़ कितना होता है, 5,000 करोड़ रुपए में से 500 रुपए खो गई, तो क्या बड़ी बात है या नहीं है। सर ये तो छोटी मोटी बात है, और 1,000 रुपए कमाते हो उसमें से 50% पैसा खो दिया आपने, क्या ये बड़ी बात है। सर ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बताओ किसको ज्यादा दुख होगा, दुख छोले भटूरे वाले को ज्यादा होगा, रिलायंस को कोई दुख होगा नहीं। तो इसका जो नुकसान है ये मटीरियल है, और इसका नुकसान क्या है, वो मटीरियल नहीं है। तो मटीरियल का मतलब होता है जिससे कि आपका डिसीजन बदल जाए, बड़ी बातें मोटी मोटी बातें मोटी इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं मटीरियल। चलो ठीक है, कहता है ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर का मतलब जो हमारे बिजनेस है या जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो सारी बातों को बताइए। आगे कहता है ऑफ एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, और ऐसे एंटिटी को कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसको हम बैलेंस शीट को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और डिस्क्लोज का तो मतलब पता ही चला, इसको डिस्क्लोज करना, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड अकम्प्लाई प्रिपेयर अकाउंट, जब आप अकाउंट को बनाते हो तो। आगे क्या कहता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एट मीन ऑफ कन्वेइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट इस तरीके से काम करता है कि आपको कन्विंस करता है, ये स्टेटमेंट क्या कन्विंस करता है, एक मैसेज देता है, एंड नॉट
आपको काउंसलिंग द इंफॉर्मेशन, ये आपको एक मैसेज तो देगा, देख के समझ तो सकते हो अच्छा यहां नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये चिल्ला के नहीं बोलेगा मुझ में मत लगाओ मैं तुम्हारे पैसे डुबा दूंगा, ये नहीं बोलेगा। तो आपको कन्वे तो करेगा लेकिन काउंसलिंग नहीं करेगा, काउंसलिंग मतलब समझाएगा नहीं। द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिजल्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टीज मे बी एबल टू टेक साउंड डिसीजन। और जो इंफॉर्मेशन दोगे वो बेटर होना चाहिए जिससे पार्टी क्या कर पाए, साउंड डिसीजन ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी चेंज होता है वो आप फुटनोट में दिखाओ। तो सर इस अजम्पशन, इस प्रिंसिपल से क्या पता चला कि जब कभी भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर बनाएगा तो आपकी अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, सभी को फुटनोट में डिस्क्लोज करना होगा। फुटनोट का मतलब अपने बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करना होगा जिससे इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे और इन्वेस्टर धोखे में ना आ जाए। बस अब आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले पे चलेंगे और बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन देखेंगे। फटाफट से नोट करिए आप इसको। कर लिया नोट। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी क्या होता है एक बार इसको पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर आगे रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देखा जाए, मैं आपके सामने फिर से एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। ये बैलेंस शीट, जैसे आपको तो पता है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, हमने लास्ट कई क्लासों से बैलेंस शीट के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाता हूं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा और इस साइड अमाउंट आएगा और इस साइड एसेट। बैलेंस शीट, कुछ बैलेंस शीट में मैं एसेट्स लिख देता हूं, जैसे डेटर 10 लाख रुपए का, बिल्डिंग 5 लाख रुपए का, स्टॉक 2 लाख रुपए का, कैश
3 लाख रुपए का, टोटल हो गया हमारा ये 15 और 5, 20 लाख। सेम इधर भी अगर देखें तो ये 20 लाख है जिसमें मैं डाल देता हूं कैपिटल 5 लाख रुपए, लोन 10 लाख रुपए, क्रेडिटर 5 लाख रुपए। अब आप मुझे सिंपल तरीके से बताना कि जो इसके अंदर बैलेंस शीट मैंने बनाया है, इस बैलेंस शीट में मुझे दो चीजें बताना। सारा अमाउंट का जो डिजिट है वो लाखों में है, मैं पॉइंट नंबर वन, आप बताना ये मटेरियल है या नहीं मटेरियल है। अगर मैं बोलूं इस डेटर में से 500 रुपए का डेटर, यानी 500 रुपए हमारा पैसा नहीं मिलेगा बेड डिट्स, तो बताओ मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर आना चाहिए, सर अगर 10 लाख रुपए में से 500 रुपए का हेर फेर होता है तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि ये क्या होगा। तो अगर 10 लाख में से 500 का, तो ये मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इमटेरियल, इमटेरियल बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर मान लो मैं बोलूं इस डेटर में से 50,000 रुपए का पैसा डूब जाएगा, तो बताओ ये बड़ी बात है छोटी बात है। तो 10 लाख रुपए में से अगर मैं बात करूं कि 50,000 रुपए का इन्फॉर्मेशन हमारे दे रखा है कि बेड डिट्स होगा, तो ये तो हमारे लिए बड़ी बात है, 10 लाख में 50,000, तो ये मटेरियल बातें हैं। चलो तीसरा पॉइंट, स्टॉक 2 लाख का है, इसमें से 10 रुपए का स्टॉक हमारा एक्सपायरी डेट का है, तो 2 लाख में अगर 10 रुपए का कोई एक्सपायरी डेट का स्टॉक मिलता है, तो ये बिजनेस के लिए बड़ी बात है या छोटी बात है, मटेरियल है या इमटेरियल है? सर ये तो होगा हमारा इमटेरियल, इमटेरियल। पॉइंट नंबर फोर, चलो इसी स्टॉक में मेरा 80,000 रुपए का स्टॉक एक्सपायरी डेट का है, 2 लाख में से अगर मैं बात करूं कि 80,000 रुपए का एक्सपायरी डेट का है, तो ये बिजनेस के लिए मटेरियल माना जाएगा या इमटेरियल? इसको हम मानेंगे बिजनेस के लिए आपका इमटेरियल मानेंगे, ठीक है, इसको बिजनेस के लिए इमटेरियल। 10 रुपए को इमटेरियल, इसको तो मटेरियल मानना पड़ेगा आपको, इसको क्या मानना पड़ेगा? मटेरियल, ठीक है। तो बस छोटी सी बात है कि बिजनेस के वैल्यू के हिसाब से कौन सा अमाउंट कितना सिग्निफिकेंट है बिजनेस के लिए और कितना नहीं है, वो डिसाइड कर सकते हो। तो मटेरियल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी के अंदर हम कौन सी बातों की बात करेंगे? मटेरियलिटी मतलब होता है बड़ी बातें, यानी बड़ी बातों की, हम बड़ी बातों की बात करेंगे, यानी जिससे इंपैक्ट आएगा। और ये एक तरीके से हमारा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये हमारा एक्सेप्शन है, किसका? ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये अपवाद क्यों है फुल डिस्क्लोजर का? क्योंकि देखो फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, अगर बिजनेस में बड़ी बातें हो या बिजनेस में छोटी बातें हो या बिजनेस में सही बातें हो, कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो या गलत हो, सबको पूरा दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर कराओ। मैटेरिटी बोलता है अगर हम ऐसे लिखेंगे और बिजनेस के अंदर इतनी सारी कमियां हो जिसके अंदर सैकड़ों बातें आए और वो सब लिखेंगे, तो कम से कम इतने पेजेस के तो हमारे डिस्क्लोजर बन जाएंगे। जब इतने पेजेस के हमारे डिस्क्लोजर बनेंगे तो पढ़ेगा कौन? पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ये बैलेंस शीट है, इसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसको क्या बोला जाएगा? डिस्क्लोजर। और ये कौन सा डिस्क्लोजर कहा जाएगा हमारा? अगर हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखें इसमें जिससे आपका डिसीजन बदल सकता है, तो उसको बोलेंगे हम मेटेरियलिटी। तो इस यहीं से हमारा बना प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी क्या कहता है? आपको बैलेंस शीट के नीचे फुल डिस्क्लोज करना होता है, लेकिन सारी उन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्लोज करना होता है जो कि मेन पॉइंट है, यानी मटेरियल पॉइंट है, सिर्फ उसी को डिस्क्लोज करना है, इम मटेरियल पॉइंट को डिस्क्लोज नहीं करना। लेकिन सेम दूसरी साइड अगर चले कि हमारा अगर देखा जाए फुल डिस्क्लोजर में, तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि बैलेंस शीट के नीचे उन बातों को डिस्क्लोज करना है जो मटेरियल हो या इमटेरियल हो, उन सभी बातों को क्या करेंगे हम? डिस्क्लोज करेंगे, चाहे बिजनेस के लिए कॉस्टली
गुड हो या बैड हो, सभी बातों को। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल, जिसके पास नोट्स नहीं है वो लिखते भी जाएंगे, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट कंपल्सरी बट डज नॉट इम्प्लाई, मतलब सारे डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है लेकिन इम्प्लाई मीनिंग दैट इवन दो फिगर विच आर इररिलेवेंट आर इज टू बी इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फुल डिस्क्लोजर में तो आप सारी चीज को दिखा देते हो, चाहे मटेरियल हो चाहे इमटेरियल हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी के हिसाब से, ओनली दोज आइटम इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव मटेरियल इफेक्ट। सिर्फ उसी आइटम को डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज का मतलब पता चल रहा है, बिजनेस बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में दिखाना, डिस्क्लोज करना है, हैव मटेरियल इफेक्ट बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली मे बी मर्ज अदर आइटम। अगर कोई इमटेरियल पॉइंट है तो अलग से पॉइंट्स मत बनाओ, किसी भी पॉइंट में इकट्ठा करके जोड़ दो और इस तरीके से दिखा दो। अच्छा, इफ द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन में अफेक्ट द यूजर डिसीजन इट इज अ टर्म्ड एज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है उसे बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। इट शुड बी नोटेड दैट आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइसेस, और ये माना जाएगा आइटम मटेरियल जो होगा एक एंटरप्राइसेस के लिए मे नॉट बी मटेरियल अनदर एंटरप्राइसेस। जैसे मैंने बताया था कि एक आइटम एक एंटरप्राइसेस के लिए मटेरियल होता है और दूसरे के लिए वो इमटेरियल हो सकता है। जैसे एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का अगर 100 रुपए का नुकसान होता है तो इसके लिए इमटेरियल है, लेकिन एक सिंपल नॉर्मल व्यापारी के लिए, एक मान लेते हैं कि सिंपल छोले भटूरे वाले के लिए, छोले भटूरे वाले के लिए 100 रुपए का नुकसान होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है 100 रुपए। तो रिलायंस कंपनी के लिए देखो अमाउंट तो सेम है, एक कंपनी के लिए ये इमटेरियल है और दूसरी कंपनी के लिए क्या माना जाएगा मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पे। तो क्या कहता है आगे, कहता है प्रैक्टिसेस में एबल सॉरी कहता है आगे कि इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल वन एंटरप्राइसेस मे नॉट बी मटेरियल अनदर एंटरप्राइसेस। एग्जांपल एक 25,000 रुपए का मटेरियल है एंटरप्राइसेस हुज टर्नओवर 1,25,000, लेकिन अगर जिसका 1.5 करोड़ रुपए का है टर्नओवर उसके लिए वो मटेरियल बातें नहीं है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, फुल डिस्क्लोजर देख लिया, फुल डिस्क्लोजर के बाद मटेरियलिटी प्रिंसिपल देख लिया, कंसिस्टेंसी देख लिया, इसके बाद गोइंग कंसर्न देख लिया। अभी और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एक बार फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। और अगला पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं, अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद बिजनेस एंटिटी देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। बिजनेस एंटिटी के बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पहले इसको एक बार नोट करिए फिर बिजनेस एंटिटी पे चलते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट, आज एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं हम, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट्स करने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी। इसको सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं हम। आप पॉइंट्स को लिख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, बिजनेस एंटिटी, और इसको हम सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं और इकोनॉमिक एंटिटी भी बोलते हैं और अकाउंटिंग एंटिटी भी बोला जाता है। चलो लिख देता हूँ, अकाउंटिंग एंटिटी, एंटिटी। चलिए समझते हैं इसे नॉर्मली। एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, एग्जाम्पल लेने का मतलब यही होता है कि आपको याद रहे, नहीं तो एक वर्ड में डेफिनेशन खत्म हो जाए। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। सर लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो। मान लो ये राम है, ये राम है, और आपको फैसला सुनाना है, आज जज हो आप। ये राम है, राम के पास एक मोबाइल है और मोबाइल फोन में सिम है, मोबाइल फोन में सिम, सिम जियो कंपनी की है, जियो। ठीक है, राम सोच रहा है, यार मेरी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, मोबाइल फोन की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, क्या करें नहीं करें। राम ने क्या करा, वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिचार्ज करवाया। और रिचार्ज करवाया इसने 500 रुपए का। इसके अकाउंट से भी पैसे कट गए और वहां पे दिखा भी रहा है सक्सेसफुली रिचार्ज कराया 500 का। राम ने बोला, चलो यार 3 महीने का रिचार्ज करवा लिया मैंने, 3 महीने की छुट्टी, इंटरनेट की भी छुट्टी, सब कुछ, अब क्लासेस भी मौज मार के देखूंगा, आराम से देखूंगा। हुआ क्या, दूसरे दिन, सेकंड डेज इसने कॉल किया, और कॉल करा तो जब कॉल किया इसने तो वहां से इसको आवाज आई कि आपकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, आपके नंबर को तुरंत रिचार्ज करें, आपकी वैधता समाप्त हो रही है। राम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यार अभी तो रिचार्ज करवाया था, ये मैसेज क्यों आ रहा है। इसने फटाफट कस्टमर केयर पे बात की और कस्टमर केयर से बात किया, थोड़ा गुस्से में आ गया और इसने कस्टमर केयर से बोला, सर मैंने अभी रिचार्ज 500 का करवाया था, लेकिन अभी तो वैलिडिटी खत्म बोल रहा है, ना ही मेरा इंटरनेट चल रहा है, ना ही कॉलिंग हो रही है। कस्टमर केयर वाले बोलते हैं, सर प्लीज वेट करिए, हम आपकी मदद करते हैं। कस्टमर केयर वाले ने अपने हैंड पे कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखा, और देखने के बाद कहता है कि सर आपका जो रिचार्ज था वो 1 डे वैलिडिटी का था, वो एक्सपायर हो गया। उसने बोला, नहीं सर मैंने 500 का। बोला, सर आपने 500 का रिचार्ज नहीं कराया, 5 रुपए का रिचार्ज कराया है। उसने बोला, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने करवाया, मेरे अकाउंट कट गया। बोला, सर वो सब चीजें देखिए मुझे नहीं पता, आप मेल करिए, आप जो मर्जी करिए, मेरे सिस्टम में 5 रुपए का शो हो रहा है, इसलिए आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब आपको दोबारा रिचार्ज कराना होगा। राम ने बोला, ऐसे कैसे होगा भाई, मैंने जब रिचार्ज कराया। बोला, सर वो सब मुझे नहीं पता, माफी चाहता हूँ, जो हमारे पास शो हो रहा है हम उसी की जानकारी देते हैं। राम को गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने पेटीएम से रिचार्ज किया, पेटीएम पे चेक किया है 500 रुपए कटे हुए हैं। इतने ही इसका दोस्त आया है और इसका दोस्त है एडवोकेट, इसका दोस्त है एडवोकेट मिस्टर श्याम, इसका दोस्त एक लॉयर है, लॉयर है। इसके दोस्त ने बोला, यार एक मोबाइल फोन लिया है, चल इसमें सिम डलवाते हैं। इसने भी मोबाइल फोन लिया है सिम, बोला चल यार जियो का अच्छा स्कीम होता है, वही ले लेते हैं। राम ने बोला, खबरदार जियो का सिम नहीं लेना, मेरे साथ यही ये दिक्कत हुई है, जियो में मैंने 500 का रिचार्ज कराया, 5 रुपए का है, बताओ कंपनी लूट रही है हमें, कंपनी चोर कंपनी है, कंपनी बेकार कंपनी है, रिलायंस ने मुझे धोखा दिया है। लॉयर ने बोला, ऐसा मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, चलो कोर्ट में केस करते हैं। लॉयर गया और कोर्ट में केस कर दिया, किसके अगेंस्ट, रिलायंस जियो के अगेंस्ट। और जब जज ने बुलाया कल्पित को, जब जज ने बुलाया किसको, राम को, बोला हाँ भाई राम क्या दिक्कत है। उसने बोला, सर मैंने रिलायंस के साथ रिचार्ज करवाया था और रिलायंस कंपनी ने ऐसे किया, रिलायंस कंपनी से भी कोई ना कोई पर्सन जरूर आया होगा कोर्ट में, रिलायंस कंपनी से एक और उसका मेन डायरेक्टर आया,
डायरेक्टर, और कोर्ट में बोला सर ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी हम चेक करवाएंगे और हमने चेक करवा लिया है, इसका बैलेंस नहीं है। कोर्ट ने बोला भाई ये तो ऐसा कह रहे हैं, अब इसने भी अपने सबूत दिखाए सर और इसने भी अपने सबूत दिखाए सर, दोनों के सबूत के बाद इसका सबूत अब ज्यादा मिला। इसने बोला नहीं सर, रिलायंस कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है, रिलायंस ने ऐसे किया है, ये बहुत सारे कस्टमर के साथ हुआ है। जज ने भी देखा, अरे ये तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था, आज रिलायंस फंस गया। बोला रिलायंस तुम्हें 10,000 करोड़ की पेनल्टी दी जाएगी और तुम पेनल्टी भरो, अब गवर्नमेंट को पेनल्टी दो, तुम कस्टमर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। बस इतनी सी बात। अब मुझे बताना क्या इसने कहीं भी बोला राम ने कि मुकेश अंबानी को जेल दो? क्या कहीं बोला इसने कि मुकेश अंबानी ने मेरे 500 रुपए खा लिए? क्या कहीं इसने बोला कि मुकेश अंबानी के वजह से हुआ है सारा? तो इसका मालिक कौन है रिलायंस का? रिलायंस का ऑनर तो मुकेश है, मुकेश अंबानी। तो क्या कहीं भी मुकेश अंबानी का डिस्कशन हुआ पूरे कोर्ट में? नहीं। यहां से यानी आपने ही मुझे बताया सर, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग-अलग होता है, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ कार्रवाई करते हैं वो बिजनेस के ऊपर करते हैं, उसके ऑनर पे नहीं करते, वो बात अलग है, बाद में ऑनर को सामने आना पड़ता है। स्टार्टिंग में एक तरीके से मालिक और बिजनेस के बीच में कॉर्पोरेट वेल होता है, तभी तो। अब याद करो, मैं हमेशा लाइबिलिटी में, बिजनेस की लाइबिलिटी है रिलायंस लिमिटेड की, अगर मुकेश अंबानी इसमें पैसा लगाएगा तो कैपिटल है, और कैपिटल कहाँ दिखाते हैं बताओ? कैपिटल हम दिखाते हैं किस साइड में? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट है तो किधर दिखाएंगे? लाइबिलिटी में। तो बिजनेस बोलता है भाई जो आपने कैपिटल लगाया हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमारा दायित्व है आपको प्रॉफिट कमा के देना। तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हम जितने भी एंट्री जितने भी अकाउंटिंग करते हैं हम बिजनेस को मद्देनजर करके करते हैं, ना कि ऑनर। ऑनर ने अपने घर पे कुछ भी किया, अपने बच्चे को गिफ्ट दिया, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो सारी बातें थोड़ी दिखाऊंगा मैं अपने अकाउंटिंग में। हम क्या दिखाएंगे? बिजनेस को इतना नुकसान हुआ, बिजनेस को इतना प्रॉफिट हुआ। तो जब कभी भी अकाउंटिंग की जाएगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी? वो करी जाएगी आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे सिद्ध होता है कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है हमारे में अकाउंटिंग में। चलिए, बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। चलिए अब मुझे आप बताइए, अगर बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है तो क्या इसको हम एंटिटी बोलेंगे? एंटिटी किसे बोलेंगे? एंटिटी मतलब होता है व्यापार, बिजनेस एंटिटी मतलब एक अस्तित्व, अलगपन। तो अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम तो कहा गया है लॉ के नजरों में, कानून के नजरों में बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑनर अलग और बिजनेस अलग। इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक एंटिटी भी कई जगह पे बोल दिया जाता है। इस पे ना एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है जो कि आपको, देखो सिलेबस से लेना देना नहीं है फिर भी मैं चर्चा करता हूँ, सालोमन वर्सेस सालोमन, इंग्लैंड का बड़ी ही बड़ा ही चर्चित केस है। इसमें सालोमन वर्सेस सालोमन ने क्या करा था, बहुत सारा कर्जा लिया था बाहर से और उसने खुद भी कुछ कर्जा बिजनेस को दिया था, क्योंकि बिजनेस अलग है और वो अलग है। तो जब बिजनेस बंद किया तो उसने सारा कर्जा जो खुद ने दिया था उसने बिजनेस से निकाल लिया और बाहर वालों को बोला अब तो बिजनेस में पैसे बचे ही नहीं, आपको क्या दें? ऐसे करने पे बाहर वालों ने बोला सर मालिक और बिजनेस तो एक ही है, तो उसने पैसे खुद ही निकाल लिए हैं तो मुझे पैसे दिलवाइए। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई एज पर कंपनीज एक्ट, कानून के हिसाब से बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तो पहले उसने अपना सिक्योर्ड डिबेंचर को पेमेंट करना चाहिए। तो उसने अपना पेमेंट किया, उसके बाद दूसरे का पेमेंट किया। तो यहां से सिद्ध होता है कि बिजनेस अलग होगा और ऑनर अलग होगा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं पढ़ देता हूँ। कहता है एन एंटिटी एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस, किसी भी एंटिटी का एक अलग अस्तित्व होता है। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अलग अस्तित्व। फ्रॉम इट्स ऑनर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बिजनेस ट्रीटेड एज एन एंटिटी, बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना जाता है, विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंग, और जो कि सेपरेट और बिल्कुल अलग है फ्रॉम इट्स ऑनर। Therefore, transaction are record in the financial statement. इसलिए बोला जा सकता है कि जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रिपेयर
फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट ऑनर। तो इसके अंदर अगर मैं कार लिखता हूं तो वो बिजनेस का कार होगा, मुकेश अंबानी का घर का कार नहीं हो सकता इसमें। हाँ सर, ये समझ में आया। द ऑनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ऑनर एक क्रेडिटर की तरह होता है, ऑनर एक बिजनेस के लिए कर्जे की तरीके से होता है, तभी तो इसको लाइबिलिटी दिखाते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी फ्रॉम इस इन्वेस्टमेंट एंड द बिजनेस ऑफ इट्स फर्म बोरोड। और बिजनेस क्या करता है, अपने ऑनर से कुछ कर्जा लेता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, बोरोड। बिल्कुल ठीक, बोरोड फ्रॉम इट्स ऑनर इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर पार्टी, मतलब बाहर वालों से कर्जा ना लेके हम अंदर वालों से कर्जा लिया है, ये बताया जाता है। आउटसाइडर पार्टी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस। और जब हम इसको कर्जा देते हैं ना, तो कई बार ये मुकेश अंबानी बोलता है बिजनेस से, रिलायंस से, कि आप मुझे इस पे ब्याज दो, तो ये ब्याज देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, खर्चा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लाइक एनी बिजनेस एक्सपेंस एंड प्राइवेट एक्सपेंस ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग लीडिंग रिड्यूस द कैपिटल। अगर कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस करते हो तो उसको क्या मानेंगे, सीखा था पहली क्लास में ड्राइंग, तो उसे ड्राइंग मान के करेंगे। हाँ सर, एक बार और पढ़ दो सर, अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहता है एन एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, एंटिटी का अलग अस्तित्व होता है फ्रॉम इट्स ऑनर, उसके ऑनर से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए एंटिटी, इस बिजनेस के हिसाब से बिजनेस अलग माना जाता है, विच सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, जो कि अलग होता है फ्रॉम इट्स ऑनर। देयरफॉर ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑफ द बिजनेस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस नॉट ऑनर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। द ऑनर वाज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ऑनर जो है बिजनेस के लिए क्रेडिटर माना जाता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है। और इस इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ बोरोड, और फर्म मानता है कि हमने अपने मालिक से क्या लिया है, कर्जा लिया है, फ्रॉम इट्स ऑनर इंटरेस्ट, और उसके इंस्टेड ऑनर से, इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर पार्टी, बाहर वालों से लेने के बजाय मैंने ऑनर से ले लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा और इसीलिए हम एक्सपेंस में दिखाते हैं। अदर एक्सपेंस जैसे कि प्राइवेट एक्सपेंस, इसको ड्राइंग माना जाता है, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल से कम हो जाता है हमारा। चलिए ठीक है, नोट करा। ड्राइंग कैपिटल से कम कैसे होता है, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख में से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल कितना बचा आपका बिजनेस में, 9 लाख। तो देखो ड्राइंग से रिड्यूस हो गया ना कैपिटल आपका, तो ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। इसको भी नोट करिए, फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। बस जल्दी जल्दी आज नोट करिए, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये, फटाफट से आप इसको नोट करिए। हाँ जी बच्चे, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, आपने नोट कर लिया। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस, देखते हैं ये क्या होता है। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया आपका फुल डिस्क्लोजर, मेटरलिटी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इसके बाद हमने करा था, इससे पहले कौन सा करा था, बिजनेस एंटिटी कर लिया, 5 कर लिए लगभग हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से सोचो तो डरा हुआ, डरा हुआ। बताओ आपको डर कब लगेगा, जब प्रॉफिट हो या फिर जब आपको नुकसान हो, कब डर लगेगा आपको? तो सीधा सा जवाब है आपका कि सर जब नुकसान होगा तब हमें क्या होगा, डर लगेगा, प्रॉफिट के केस में डर नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस के केस में अगर आप डरे हुए से मतलब क्या है, यहाँ पे प्रूडेंस का मतलब भी सेम है, कंजर्वेटिव और प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि मान लो 2010 में या 2020 में आप बात करें, 2020 में आपने सेल्स किया आपने 5 लाख रुपए का, और आपको इसमें लगता है कि भाई मेरा 5% है ना, वो पैसा डूबने के चांसेस है, और वो डूब सकता है 2022 में आपके 5% पैसे डूब सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जनरली देखा जाए तो जो 5% आपका 2022 में डूब सकता है, आप उसकी तैयारी जो होगी ना वो आज ही करोगे। यानी 5 लाख का 5% 25,000 रुपए आज ही आप खर्चा मानोगे, आज के डेट पे आपको खर्चा मानना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंसिपल कहता है, और आप भी जानते हो ऐसा ही होना चाहिए। आपके घर में भी क्या होता है,
प्रूडेंस प्रिंसिपल का फॉलो होता है। आपके पेरेंट्स की सैलरी अगर 10 है तो 10 के 10 खर्च नहीं करते। फ्यूचर में कोई बीमार पड़ सकता है, उसके लिए आज ही पैसे बचा के रखते हैं। तो सेम यहां पे यही कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब डरा हुआ प्रिंसिपल। अगर आपने 2020 में 5 लाख रुपए का सेल्स किया है और आपको लगता है कि ये पैसे मेरे डूब सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आज ही उस पर प्रोविजन बना लोगे। प्रोविजन क्या होता है, उसके ऊपर एक अंदाजा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2022 में आपको 10 लाख रुपए का फायदा होने वाला है, तो क्या आज ही आप सरकार को टैक्स दे दोगे इस पे जाके? कभी नहीं दोगे। क्या आज ही उसको इनकम मान लोगे? नहीं। कहते हैं कि जब इनकम हो जाए तब मानना, दूसरे की इनकम पे मेरा क्या अधिकार है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल सिर्फ यही बताता है हमें, सिंपल वर्ड में बताऊं तो, फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के प्रॉफिट को इग्नोर करो। सिंपल सी थ्योरी है, ऑल एंटीसिपेटेड। अब फ्यूचर को हम पता है क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटेड। फ्यूचर को बोलते हैं हम एंटीसिपेटेड, और फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉस, अनुमानित लॉस शुड बी रिकॉर्डेड टुडे, एंड ऑल फ्यूचर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या गेन शुड बी इग्नोर्ड। तो ये डेफिनेशन में कहता है हमारा। तो देखते हैं अकाउंटिंग, हम प्रूडेंस प्रिंसिपल का क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कहता है द प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है, इट मे मैनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग आ फेसेस। कुछ मुहावरे हैं जैसे कि डू नॉट एंटीसिपेट इट और प्रॉफिट, जो भी आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है उसको, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब जो एंटीसिपेटेड आपका जो अनुमानित फायदा है उसको मत लिखें, और लॉसेस को क्या करें, प्रोवाइड करें। प्रोवाइड का मतलब बच्चे क्या होता है, जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको बोलते हैं प्रोवाइड करना। इन अदर वर्ड, इट टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के लॉसेस को, बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, लेकिन प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे। द एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन होगा, द एप्लीकेशन दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो एप्लीकेशन का ये कॉन्सेप्ट होगा, एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर। अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा, आपके 25,000 नहीं मिलेंगे, आज दिखाओगे तो जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट निकलेगा वो सही प्रॉफिट निकलेगा। अगर आज मानते हो कि नुकसान नहीं होगा, 2022 में पता चले कि अरे वो तो डूब गया, तो बताओ 2020 का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये सही माना जाएगा अगर आप लिखते हो तो। तो कहता है दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर, मतलब सच्चाई बताएगा, ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट अफेयर लिख लो रजिस्टर में, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और फाइनेंशियल पोजिशन भी बोल देते हैं कई बार, ऑफ एंटरप्राइसेस, एंड डू नॉट प्रेजेंट अ बेटर पिक्चर व्हाट विल बी एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, विच एवर लोअर। हमारा जो स्टॉक होता है मार्केट में कितने का है और बुक में कितने का है, उससे मैटर नहीं करता। हमने अगर 10,000 का स्टॉक खरीदा है लेकिन आज उसकी वैल्यू 5 है, तो हमें 5 लिखना पड़ेगा। अगर 10,000 का स्टॉक खरीदा है, आज वैल्यू 20 है, तो हम ज्यादा वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, कम वाला लिखेंगे, ताकि इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो, विच एवर इज लोअर। आगे कहता है मार्क मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो देखो देखो मैंने सेल किया, उधार माल बेचा, अगर नगद बेचता तो क्या मुझे संदेह होता? नहीं होता। तो इसके ऊपर जो प्रोविजन बनाया गया, ये भी इसका एक उदाहरण है। तो इसका अगर मेरे से एग्जाम्पल पूछा जाए, तो मैं बोल सकता हूं प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अगर मेरे से एग्जाम्पल पूछो, तो होता है मार्केट वैल्यू स्टॉक का, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो ये हमारा क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप, इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी डाउट होता है तो मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आपको, आप किसी भी टाइम कॉल करके, फोन करके पूछ सकते हैं। तो हमने क्या देखा अभी, प्रूडेंस प्रिंसिपल, चलो एक बार फिर से बताते हैं एकदम शॉर्ट समरी में। प्रूडेंस प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है
इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है हमारे अकाउंटिंग में कि फ्यूचर के जो लॉसेस है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फ्यूचर में होने वाले फायदे को इग्नोर कर देना चाहिए। इसके करने से क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो रियलिस्टिक पिक्चर शो करता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ गया? अब फटाफट एक बार नोट करिए कि हमें फ्यूचर की चीजों को, लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करना है और प्रॉफिट को इग्नोर करना है। फटाफट से नोट करिए। चलिए, कर लिया नोट? चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। अगला कौन सा करेंगे? मनी मेजरमेंट। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। मनी मेजरमेंट, मनी का मतलब क्या होता है, चलो अभी बताएंगे। मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, अब डेफिनेशन आप याद करो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैंने बोला था कि बिजनेस में कौन सी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है या पैसे के टर्म्स में हो, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट सिंपली क्या कहता है, जैसे आपका मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो एंट्री डालोगे कौन से डालोगे जो कि पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे सैलरी पैसे में दोगे, दिया नहीं है या दोगे बात अलग है, देना तो पड़ेगा, वेजेस, इसके बाद स्टेशनरी। तो ये पीएनएल में ना इधर सारे के सारे एक्सपेंस लिखते हैं ऐसे कॉलम बना के, और इधर सारे के सारे क्या लिखते हैं, इनकम। हम डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा ये। तो इस तरीके से दिखाया जाता है। तो मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि पैसे वाली जो चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करना है। तो सर बता दो बिना पैसे वाली क्या चीजें हैं, जैसे कि इलनेस, कोई बीमार पड़ जाए, जैसे स्ट्राइक, और क्या हो सकता है सर, जैसे कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कि इस तरीके के इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं मैं, स्ट्राइक, डेथ, इलनेस, ये सारे डिस्प्यूट, ये सारे कौन से ट्रांजेक्शन है, क्या मैं इसे दिखाऊंगा कि आज 2 रुपए का मेरा इलनेस हुआ, क्या मैं दिखाऊंगा आज 5 रुपए का मेरा स्ट्राइक हुआ, नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये दिखा सकता हूं आज मैंने 2 रुपए का सैलरी पेड किया। इसमें सोचो मत, 2 रुपए का सैलरी, अब मान लो 20,000 रुपए का सैलरी पेड किया, ठीक है, और मैंने सोचा कि 2,000 रुपए का इलनेस हुआ, तो नहीं सोच सकते। तो नॉन मोनिट्री आइटम, मोनिट्री आइटम वो होता है जो पैसे में होता है, नॉन मोनिट्री जो पैसे में नहीं होता। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अगर इसमें इलनेस या डिस्प्यूट स्ट्राइक लिखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो आपको कौन से आइटम को लिखना है, सिर्फ मनी वाले आइटम को लिखना है। चलिए, मनी मेजरमेंट, इससे ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट मेजर इनटू द मनी कैन बी एक्सप्रेस। अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के हिसाब से सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करना जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब बताया जा सकता है, इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो मनी के टर्म्स में होता है रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश बुक, ये सारे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, हम आगे देखेंगे भी। बिजनेस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इवेंट लाइक डेथ, एम्प्लॉय, मैनेजर, स्ट्राइक, डिस्प्यूट आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल दोज अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन और सिग्निफिकेंटली। ये हमारे बिजनेस के स्ट्रक्चर
सिग्निफिकेंटली इफेक्ट तो करेंगे हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को, लेकिन तब भी हम इसको नहीं लिखेंगे। आगे क्या कहता है, इट इग्नोर क्वालिटिव एस्पेक्ट, और इसके अंदर मैंने देखा लिमिटेशन, ये क्वालिटिटी एस्पेक्ट है, इफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स कस्टमर। तो ये लिमिटेशन की बात नहीं करेंगे, मैं अभी सिंपल सी बात करता हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हीं बातों को लिखना चाहिए जिसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉन मॉनेटरी आइटम को नहीं लिखना चाहिए, जैसे डेथ, डिस्प्यूट, इलनेस, इन सब चीजों को नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब फटाफट से मैं लिख दूं, मनी, मनी का मतलब सिर्फ पैसा, पैसा और मेजरमेंट जिसको पैसे में, जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है या पैसे के रूप में हो, ठीक है? आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए मनी मेजरमेंट। चलिए फटाफट से एक बार नोट करिए, नोट करने लायक तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने, फिर भी आप अपने नोटबुक में नोटिंग तो जरूर करनी है, आपने कसम खाई है। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कर लिया, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सबके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है ना? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अब देखो जैसे मान लो राम राम जानना चाहता है, बहुत इच्छुक है, क्या जानना चाहता है, ये जानना चाहता है, सर क्या जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मेरा जैन मंथ का कितना प्रॉफिट है। अच्छा, इसने ऑर्डर दिया अपने अकाउंटेंट को और अकाउंटेंट को बोला कि अकाउंटेंट मेरा प्रॉफिट बताओ जनवरी में कितना किया। अकाउंटेंट ने क्या करा, अपना एक बनाया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इधर क्या लिखते हैं बताओ, खर्चे। बोलो क्या लिखते हैं, खर्चे, और इधर इनकम। उसने बोला सर और ये अमाउंट का कॉलम और इधर भी अमाउंट का कॉलम। जैन मंथ में इसने बताया सर सेल 10,000 का और परचेज 2,000 का। यहां पर्टिकुलर अमाउंट होता है सैलरी 1,000 का। चलिए तो देखा जाए 10,000 इसमें से नेट प्रॉफिट निकाले अगर, तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 3,000, माइनस कर दो 10,000 में से। इस 10,000 का टोटल को ना इधर ही लिखते हैं, जिधर बड़ा होता है ना वो लिखते हैं जनरली, ठीक है? इस 10 को इधर लिखा, माइनस 3,000 किया तो आ गया हमारा 7,000। चलिए अब लिखते हैं हम, अब क्या लिखना है, अब बनाना है, लिखना थोड़ी है, बनाना बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मैंने लिखा लाइबिलिटी और एसेट, और इस साइड सारे इंफॉर्मेशन एसेट्स और इधर लाइबिलिटी बना दिया। अकाउंटेंट ने बोला सर मैंने बना दिया, आपने प्रॉफिट 7,000 कमाया। बोला अच्छा चलो। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। अब फिर से राम, इस मालिक ने अपने वर्कर को, अकाउंटेंट को, जिसका नाम रख देता हूं मोहन लाल, इसका नाम राम, फेवरेट नेम राम। अब राम बोलता है कि मोहन अब समय तो बीत गया है, आप जनवरी से जून तक का मुझे बताओ कितना प्रॉफिट है। हैं सर, जनवरी से लेकर जून तक, ये लो बता देते हैं। फिर से इसने क्या किया, फिर से इसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा सेल बढ़ा देते हैं 30,000 और एक्सपेंस परचेज 20,000 और सैलरी 1,000। बताओ बड़ी साइड कौन सी है, सर यही बड़ी है 30,000, इसी को इधर लिखेंगे,
30,000 इसमें से माइनस कर दो 21,000, तो सर 9,000। अब प्रॉफिट कितना कमाया? 9,000। इसके बाद क्या बनाएगा? एक बनाएगा बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में डिटेल लिखेगा। अच्छा, मोहनलाल ने बोला सर ये लो आपका प्रॉफिट 9,000 है। राम ने हुआ, फिर समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया, टाइम बीतता गया। फिर राम बोलता है मोहन एक काम करो, आप पूरे साल का एक बार मुझे प्रॉफिट बताओ। आप मुझे बताओ अप्रैल से लेके मार्च तक का प्रॉफिट, मार्च तक का 31-3 तक का प्रॉफिट बताओ। उसने बोला हाँ सर लो अभी बताता हूँ। फिर उसने क्या बनाया? उसने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, उसने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा सेल्स। सेल्स अब 1,00,000 रुपए, परचेज 20,000 रुपए, और चलो बस ज्यादा नहीं लिखते 80,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और फिर से क्या बनाया होगा? बैलेंस शीट सोन बनाता गया। तो बस यहीं से समझना है अकाउंटिंग का मतलब, जो ये काम कर रहा है ना बनाने का, इसको बेटे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। पीरियड्स का मतलब आपका यहाँ पे 1 महीने का था जैन मंथ का, तो एक पीरियड हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये। तो अगर हम ध्यान से देखें अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड होता है जिस टाइम के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं उसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहा जाता है। तो सर हम क्या 1 हफ्ते का भी कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, ये 1 हफ्ते का भी कर सकते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल वो टाइम होता है जिस टाइम के लिए अपने आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उसे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन जर्नली आपका अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो हमेशा 365 दिन का होता है, 64 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, XYZ। आपका 365 दिन का, जो कि 1/4 को हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, और एंड कब होगा? हमेशा 31-3 को। तो नॉर्मली अगर मेरे से पूछो सर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस टाइम के लिए आप अकाउंटिंग करोगे उसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहा जाता है, और जनरली ये हमेशा 1 साल का होता है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक, कंपनीज एक्ट वालों का अलग अलग, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं, समझ में आया अकाउंटिंग प्रिंसिपल? हाँ सर आ गया, बस पढ़ के सुना दो। अकॉर्डिंग टू पीरियड रेफर्स टू दैट स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम का मतलब जो व्यतीत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पीरियड रेफर्स टू दैट स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस आर प्रिपेयर्ड। पीरियड का मतलब होता है वो समय जिसके अंदर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों को मिला दे तो दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। टू नो वेदर इट्स अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। और क्यों बनाओगे बताओ, बताओ क्यों बनाओगे? ताकि आप प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया वो बता सको। ठीक है सर, ड्यूरिंग द पीरियड अब वॉट एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड सच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई डिफरेंट यूजर। और ड्यूरिंग द पीरियड में क्या एग्जैक्टली मेरे पास लाइबिलिटी है, क्या एग्जैक्टली मेरे पास एसेट्स है, इन बातों को जानने के लिए इसको बनाया जाता है। जो कि अकाउंटिंग के यूजर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो जानना चाहते हैं, उन्हीं के लिए तो बनाएंगे। डिफरेंट यूजर एज अ रेगुलर इंटरवेल ऑफ द वेरियस पर्पज, नो फर्म कैन वेट फॉर लॉन्ग टू नो इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट एट अ वेरियस डिसीजन आर टू बी टेकन रेगुलर इंटरवेल। और बिजनेस अपने डिसीजन रेगुलर इंटरवेल पे लेते रहेगी। अब पता चला 5 साल बाद प्रॉफिट पता किया, अरे पहले ही जान लेना चाहिए था, पहले ही ठीक कर लेता ये, तो रेगुलर इंटरवेल में निकाला जाता है। इंटरवेल मतलब समय अंतराल में। इंटरवेल ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन किसके, एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस के ऊपर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर फॉर प्रिपेयर रेगुलरली इंटरवेल, नॉर्मली आफ्टर पीरियड 1 ईयर, नॉर्मली 1 साल के बाद होता है, सो दैट टाइमली इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर। और ये यूजर को कहता है द इंटरवेल ऑफ द टाइम कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आगे मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि इतने टाइम का बनाएं और उसको इतने टाइम में प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। सिंपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होगा जिस टाइम के लिए हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होता है, और इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं रेगुलर इंटरवल के। क्यों बनाया जाता है भाई? ताकि इन्वेस्टर रिजल्ट को जान पाए, हम अपना डिसीजन ले पाए, सिर्फ इसलिए बनाया जाता है। चलिए अब नोट करिए,
नोट करिए, जिसने सही से सुना नहीं है फटाफट से वो नोट करिए, नहीं तो मैं आपको ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, फटाफट नोट्स करिए, नोट में अंडरलाइन करिए और लिखना, नोट जरूर करना है, क्योंकि सबसे मेन आपका एक ही चीज़ तो है आपका यहाँ पे, सिर्फ नोटिंग करना। तो फटाफट से नोटिंग करिए, जल्दी जल्दी नोटिंग करिए, अच्छे बच्चे की तरह नोटिंग करिए। इस बार आपको करके दिखाना है, कुछ नोट करना है आपने। कर ले नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कर लिया नोट, चलिए अब चलते हैं, चलते हैं फटाफट, चलते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, अगला देखते हैं हम, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगला देखते हैं, अगला क्या करना है, अगला करना है सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बहुत सारे हो गए, बस थोड़े से रह गए हैं ये प्रिंसिपल। चलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पढ़ाई अच्छी चल रही है, नोटिंग करना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की मैं बात करूं तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा था, जो भी पैसा आता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं, याद होगा। तो रेवेन्यू का मतलब बेसिकली मैं यहां पे सेल्स से लूंगा, और रिकॉग्निशन का मतलब बेसिकली होता है आपका लिखना, ठीक है ना, लिखना। प्रिंसिपल तो हमारे सिद्धांत है, तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि कब हमें अपने सेल्स को मान लेना चाहिए और कब नहीं मानना चाहिए। मेरे साथ एग्जाम्पल में बताना, जैसे मान लो एग्जाम्पल वन, मान लेते हैं राम ने, राम एक दुकानदार है, राम ने नहीं, राम एक दुकानदार है, ये एक दुकानदार है हमारा, और ये एक दुकानदार है। चलो सपोज करो एक कस्टमर आता है इसके पास, मोहन, और मोहन इसके पास आता है और बोलता है सर मुझे अकाउंट्स की बुक चाहिए, अकाउंट्स की बुक दे दो। राम जो है, राम कहता है कि मेरे पास अभी अकाउंट्स की बुक नहीं है, आप कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगी, शॉर्टेज चल रही है, अगर आपको बुक चाहिए पैसे जमा करवा दो, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। यानी अभी ये मार्च में आया और ये बोलता है मैं अप्रैल में दे दूंगा। तो मोहन ने बोला ठीक है भाई मैं पैसे जमा कर देता हूं, इसने 500 रुपये जमा करवा दिए। अब कंसर्न ये होता है 500 रुपये तो मार्च में जमा हो गए, लेकिन जो इसको बुक दिया जाएगा वो दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में। तो अब ये 500 रुपये का जो सेल है उस सेल को हम अब कर ले सेल मान ले या फिर अप्रैल में माने, कंसेप्ट यही है। तो ये प्रिंसिपल यही बताता है कि हमें इस 500 रुपये के सेल को कब मानना चाहिए। तो मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो 500 रुपये का सेल तब मानना चाहिए जब हमारी तरफ से सारे रिस्क खत्म हो जाए, हमने उसने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, दोनों तरफ से पार्टी से दोनों की अपनी अपनी लाइबिलिटी खत्म हो जाए तो सेल मानेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने तो अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी, इसने तो पैसे दे दिए, लेकिन इसने तो बुक दिया नहीं। तो जब इसने बुक दिया नहीं है इसको, तो क्या ये मार्च के महीने में सेल मानेगा? नहीं सर, इसे अप्रैल के महीने में सेल को मानना पड़ेगा। तो रेवेन्यू को कब लिखा गया? जब हमारा गुड्स को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है सर। दूसरा मान लेते हैं कि राम दुकानदार है, सोनल, सोनल ने क्या करा, यहां पे सामान
सोनल आता है इसके दुकान पे, बोलता है सर मुझे एक नोटबुक चाहिए। दुकानदार ने बोला ठीक है मैं आपको नोटबुक दे दूंगा, और ये है 10 तारीख की बात, 10-11। और सोनल ने कहा कि सर मैं दुकानदार से कि भैया मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए और थोड़ी देर बाद मैं आऊंगी, आप पैसे रख लो और बुक निकाल के रख दो, नोटबुक। दुकानदार ने बोला ठीक है, इसने इसको 200 रुपये दे दिए और ये मार्केट चली गई। और वो शाम को जब आती है सोनल, तो देखती है कि राम के दुकान में आग लग चुकी है बहुत बुरी तरीके से। आग लगने के बाद राम तो पागल हो गया। अब बताओ राम को जो 200 रुपये मिले, ये सेल्स माने या ना माने? क्या इसने इसको सामान डिलीवर्ड किया? नहीं किया, तो इसको सेल नहीं माना जाएगा या माना जाएगा? बताइए, सेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने गुड्स को डिलीवर नहीं किया। सेम ऐसे हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट में। मान लो किसी को मैंने सामान उधार बेचा, राम ने क्रेडिट पे सामान बेच दिया, क्रेडिट पे सामान सेल किया, और ये सेल किया इसने 1/10/2020 में। अब मुझे बताइए कि अगर 1/10/2020 में बेचा और जो क्रेडिट सेल्स किया इसने मोहन को किया है, मोहन बोलता है मैं पेमेंट दूंगा आपको 25/10/2020 में, तो बताइए किस दिन सेल मानना चाहिए? इसने सामान कब बेच दिया? जिस दिन सामान बेच दिया, सामान कस्टमर के हाथ में दे दिया, उस दिन सेल मानना जाना चाहिए। तो पैसे तो भले ही हमें कब मिल रहा है, 25 को मिल रहा है, तो 25 को हमें सेल नहीं मानना, हमें सेल मानना पड़ेगा 10 को। तो सिंपल सी बात है इसमें कि आपको पैसे रिसीव कब होता है ये मैटर नहीं करता, आपने अपना ऑब्लिगेशन कब खत्म किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कंप्लीट किया, ये डेट देखना जरूरी है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है आप सेल को उसी दिन रिकॉर्ड करें, आप रेवेन्यू को उसी दिन रिकॉर्ड करें जिस दिन के आपने अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर दिया है। पेमेंट आपको आज मिल जाए या एक दिन पहले मिल जाए या 10 दिन बाद मिले, पेमेंट से कोई मैटर नहीं है। चलिए देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज। इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मस्ट रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर इनटू ऑब्लिगेशन। जब ट्रांजैक्शन ऑब्लिगेशन हो जाए, मान लो ये इसको उधार माल बेच देता और फिर आग लगता दुकान में, तो क्या दुकानदार उससे पैसे नहीं मांगता? बिल्कुल मांगता पैसे, बोलता मेरे पैसे दो क्योंकि मैंने आपको सामान दिया है। रिसीव इट्स पेमेंट हैज बिन स्टेब्लिश। जब उसका पेमेंट रिसीव करना एक स्टेब्लिश हो जाता है कि मैं तो लूंगा आपसे पेमेंट। आगे कहता है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द पॉइंट टाइम व्हेन रेवेन्यू कैन बी अज्यूम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओनली द कंसिडर आपका कंप्लीट आप कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने करोगे तभी आप प्रॉफिट को निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, सपोज फर्म सेल गुड्स, फर्म ने सामान बेचा जनवरी में बट रिसीव द अमाउंट इन मार्च 15 में। एज पर द प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन जैन, क्योंकि उसने बेच कब दिया? जैन के मंथ में ही। दूसरा, इट सेल्फ लीगल ऑब्लिगेशन पे अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश द डेट, हाउएवर अ फर्म रिसीव इन एडवांस जनवरी में और गुड्स उसको दे अप्रैल में, तो कब मानना पड़ेगा उसे? अप्रैल में। तो बस सिंपल सा लॉजिक था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करते हैं हम? जब हमारा ऑब्लिगेशन आ जाए, यानी पैसे कब रिसीव हुआ इससे मतलब नहीं है। तो आप फटाफट से एक बार नोट करिए, फिर इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम, ठीक है? फटाफट नोट करिए एक बार आप।
अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। चलिए बस एक और दो रह गए हैं, बस फटाफट दिखेगा। मैचिंग प्रिंसिपल, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, समझते हैं एक बार। मैचिंग प्रिंसिपल आप मुझे सिंपल सा जवाब देना। मैंने 2010 में सेल्स किया 10,000 और 2011 में मैंने एक्सपेंस किया 3,000। बताओ मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट बताइए कितने कमाए मैंने, फटाफट देख के बताइए प्रॉफिट कितने कमाए हैं। सर प्रॉफिट सेल 10,000 और खर्चा 3,000, तो प्रॉफिट तो आपने कमाया 7,000। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। आपका प्रॉफिट इस साल का निकाल ही नहीं सकते जब तक आपको खर्चा ना पता हो। सर खर्चा तो है, आप 2010 का अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो तो खर्चे भी 2010 के ही लो। अगर आप प्रॉफिट 2011 का निकाल रहे हो तो इनकम और खर्चे भी 2011 के ही होने चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि सेम पीरियड के खर्चे का कंपैरिजन करो सेम पीरियड के इनकम से, मैच। अगर आप करते हो कि इस साल का सेल्स, मान लो यहां पे मैं खर्चा दिखा दूं एक्सपेंस, और एक्सपेंस दिखा दिया मैंने 6,000, आप बोलो सर मेरा प्रॉफिट है 10 में से 3 गए 7, तो गलत जवाब। आपका प्रॉफिट होना चाहिए 4,000, इसी पीरियड को आप कंपेयर करोगे। और अगले में अगर मैं बोल दूं कि मेरा सेल है मान लेते हैं कि 25,000, तो अगर मैं पूछूं इनकम, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेल में से 6,000 माइनस करो, नहीं, क्योंकि एक्सपेंस जो है ये 2011 का है, तो 2011 के इनकम से मानना पड़ेगा। तो कितने आएंगे आपके 22,000 रुपए। तो सिंपल से पॉइंट में मैं बताऊं तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस टाइम का खर्चा होगा उसी टाइम के इनकम से मैच करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकालना है निकालिए। एक अकाउंटिंग पीरियड को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे या इनकम से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बस इतना सा प्रिंसिपल कहता है ये, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, एक्सपेंस जो इनकर्ड किया गया इन अकाउंटिंग पीरियड में शुड बी मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन दैट पीरियड। रेवेन्यू को किससे मैच करोगे, उसी पीरियड से मैच करोगे। आगे कहता है पॉइंट नंबर वन, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर ओनली व्हेन, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में तभी मेजर किया जा सकता है, ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड मैच विद एक्सपेंडिचर इनकर्ड दैट पीरियड। तभी किया जा सकता है जब रेवेन्यू जिस टाइम के लिए है और खर्चे भी उसी का। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सारा का सारा पैसा आना, डेफिनेशन में करा था हमने। सच मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विद एक्सपेंस इज बेस्ड ऑन द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब उधार हो चाहे नगद हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपने सेल कर दिया, पैसा नहीं मिला, तो आप सेल्स मान लोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में देखा, और उसी साल का आप खर्चा भी माइनस करोगे। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स शुड बी कीप इन द माइंड एंड द फॉलोइंग कॉस्ट विद द रेवेन्यू, व्हेन आइटम रेवेन्यू इज इंक्लूड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट All expense incurred, whether paid or not, चाहे आपने payment किया है चाहे नहीं किया ये matter नहीं करेगा, should be show as a expense, उसे expense के तौर पे show करेंगे in the profit and loss account के अंदर। It mean if there is any outstanding expense, इसका मतलब अगर कोई भी outstanding expense, outstanding का मतलब खर्चे का payment करना बाकी है, then it will be show in the profit and loss account, तब भी दिखाओ चाहे आपने payment ना किया हो। If an expense is paid during accounting period, अगर खर्चा आपने इस accounting period में किया है, but revenue relate, it will be earned in the following period. Following period का मतलब होता है अगले period के लिए। Income अगले साल का है, खर्चा इस साल का है। Such expense will be show expense only next year
नॉट दिस ईयर, फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड इंश्योरेंस, सच इंश्योरेंस एंड एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, खर्चे में नहीं दिखाया जाएगा। ओवरऑल आपको तो एग्जाम में कंक्लूजन लिखना होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अगर खर्चे इस साल का है तो इनकम भी इस साल का होगा, उन दोनों का ही डिफरेंस से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इन द सेम मैनर कहता है, इफ रेवेन्यू रिसीव बट अगेंस्ट सर्विस सर्विस विच rendered next year, then revenue will be recognized in next year and it show liability of the balance sheet. जैसे for example advance income का, तो क्या आपको clear हुआ revenue recognition? तो अभी तक हमने बहुत सारे points किए हैं, तो revenue recognition का quickly बताऊँ तो revenue recognition मैंने by mistake बोला, मैचिंग प्रिंसिपल। अब समझ में आया मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल हमारा वो प्रिंसिपल होता है कि ये हमें बताता है कि आप जब कभी भी नेट प्रॉफिट निकाले तो जिस टाइम का खर्चा हो उसी टाइम का इनकम आपस में माइनस प्लस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाले। ऐसा नहीं करना है आपने कि आप खर्चे पिछले साल के लो और इनकम इस साल का लो और बोलो हमारा प्रॉफिट हो गया, ये आपका गलत प्रॉफिट बताएगा। तो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल यही बताता है, क्या बताता है, जिस साल का खर्चा उसी साल का इनकम, उसी साल का इनकम माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब फटाफट से नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम आज। जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं अब हम। चलिए अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं, एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल एक्रूअल प्रिंसिपल एक्रूअल अजम्पशन या प्रिंसिपल। पहले हम एक्रूअल का मतलब समझेंगे, ठीक है? देखो हमारे बिजनेस दो तरीके के हैं, बिजनेस दो तरीके के करे जाते हैं। एक बिजनेस ऐसा है जो कि कैश बेसिस पे किया जाता है, और एक बिजनेस ऐसा है जो कैश प्लस में क्रेडिट बेसिस पे किया जाता है। सिंपल मैं बताऊं तो एक व्यापार ऐसा है जहां पे उधारी माल बेचा ही नहीं जाता, सब काम नगद में, और एक बिजनेस ऐसा है जहां पे सारा काम किस में होता है, कैश में लेन देन होता है। एग्जांपल मैं बताऊं कैश बेसिस का, जैसे कि डीटीसी बस कैश में होता है। जैसे एग्जांपल रेलवे, आप उससे बोलो सर हम डेली आते जाते हैं रेलवे में, आपको किराया अगले महीने दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी इंडियन एयरलाइंस तो ये सारे एग्जांपल किसके? कैश। आप इसके पास जब जाओगे ना कि मुझे उधार दो, आप बोलोगे मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई उतरते ही पैसे दे दूंगा, तब भी नहीं मानेंगे, पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा फिर जाओगे आप। ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं? कैश बेसिस पे। इसमें ना बड़ा ही नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? डीटीसी बस में कोई पर्सन चढ़ता है, एक सरकारी बस में चढ़ता है और वो अगले स्टैंड पे उतर जाता है, तो कंडक्टर क्या वो हिसाब देता है कि वो एक कस्टमर ऐसा था जो उतरा? नहीं देता। तो इसमें बड़ा ही नुकसान है। नुकसान क्या है इसके अंदर कि कंडक्टर ने जो इस स्टैंड से अगले स्टैंड पे उतरा और नहीं बताया, उस कारण से एक हमारा 10 रुपए का ही नुकसान हुआ, जिस नुकसान को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा होगा, गलत आ रहा होगा। तो ये वाला बेसिस देखोगे तो कोई फॉलो नहीं करता। मान लो आपके साइड में दुकान है, आप सबसे एक दुकानदार है जहां से आप सालों साल से सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के बाद अब वो कह दे आपको, जैसे ही सामान खरीदने गए और वो आपसे कह दे कि सामान जब आप खरीदते हो और
एक दिन आप पैसे भूल जाओ और पैसे भूलने के बाद आप बोल दो कि सर अब हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पैसे सॉरी चलिए नेक्स्ट करते हैं हम एक्रूअल अजम्पशन या एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। पहले मैं एक सिंपल सा बताना चाहता हूं कि जो हमारे बिजनेस किए जाते हैं ना, जो हम बिजनेस को करते हैं, इस बिजनेस को करने के पीछे दो तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। अकाउंटिंग जो बिजनेस का होता है या बिजनेस का करने का तरीका दो तरीके का होता है सर। कौन कौन सा? एक होता है हमारा कैश बेसिस, एक होता है हमारा कैश बेसिस और एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। सर दोनों तो आपने वही लिख दिया, हमें समझाए तो नहीं, समझाते हैं। कैश बेसिस में जो भी आपका लेन देन होगा वो नगद में होगा और एक्रूअल बेसिस में आपका कैश में भी लेन देन होगा और क्रेडिट में भी होगा। हाँ जी, कैश बेसिस में किस में होगा? सिर्फ नगद में और एक्रूअल बेसिस में, दोनों में। तो ऐसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जहां पे कि नगद में होता है कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस जो है वो हर जगह ही होता है। नॉर्मली हमारा जो पॉपुलर है वो एक्रूअल बेसिस है। मैं पहले कैश बेसिस का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप जाते हो डीटीसी बस पे चढ़ते हो, आप डीटीसी हो गया या आपका रोडवेज बसेस हो गए, सरकारी बस हो गए, उसके अंदर अगर आप बोलते हो कि सर हमें अगले स्टेशन पे जाना है या मुझे यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, सपोज करो आपको जाना है कॉनॉट प्लेस से पीतमपुरा और आप ड्राइवर से बोलते हो सर आप एक काम करो, जो बस है आपका जो जाएगा, आपने इससे बोला कि सर हम आपको कल दे देंगे किराया, आप मुझे वहां तक छोड़ दे, तो इसका कंडक्टर जो होगा सीपी पे वो कहेगा आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा, उधार नहीं दिया जाता, आपको मजबूरन उतरना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आपके पास दो आप दूसरा ऑप्शन है नहीं। सेम दूसरा मैं एग्जांपल लूँ मेट्रो। अब बताओ अगर आपके पास 2 रुपए भी कम है तो क्या मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। टोकन सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, अगर उसमें टोकन रिचार्ज होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो कैसी अकाउंटिंग है? कैश बेसिस। बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वो कौन करते हैं? जिनका मोनोपोली होता है मार्केट में, जिसका एकाधिकार होता है, तो ये हमारा है कैश बेसिस। ऐसे क्या है? एयरलाइंस। एयरलाइंस का जितना भी काम है, आप बोलते हो कि सर मुझे यहाँ दिल्ली से मुंबई जाने दो मैं आपका पेमेंट दे दूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक्रूअल बेसिस कौन सा होता है? जिसमें कैश, जैसे आप अपने आसपास दुकान है जो भी आपके प्रोविजनल स्टोर, तो आपको पता है आप अगर डेली 100 दिन वहां से सामान लेते हो रेगुलर और किसी दिन आप अपना पर्स भूल जाओ तो वो दुकानदार आपको बोलेगा कोई बात नहीं भाई साहब आप अगले दिन दे देना। अगर ये दुकानदार स्ट्रिक्टली बोलता है कि भाई साहब आपको अगले दिन आपको सामान नहीं दिया जाएगा, आप पैसे लेके आए, तो आप क्या करोगे? आप इस दुकान को छोड़कर किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाओगे, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन सेम मेट्रो में अगर ऐसा बोला जाए कि भाई साहब पर्स भूल गए कोई बात नहीं आप पैसे घर से लेके आओ, तब भी अगले दिन आप मेट्रो में ही जाओगे क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं अवेलेबल। तो जो हमारा एक्रूअल अजम्पशन है, एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है कि हमें कैश कब मिलेगा नहीं मिलेगा मैटर नहीं करता। हमारा अजम्पशन जो अकाउंटिंग होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग के बेसिस पे होना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ डिफरेंस भी बता दूं इसके साथ साथ, अभी और क्लियर आएगा। बताओ मान लो यहां से आप चढ़ गए और आपने डीटीसी वाले को टिकट नहीं लिया, डीटीसी वालों ने ध्यान भी नहीं दिया और आप यहां उतर गए और पैसे दिए नहीं, क्या ये जो लॉस है ये नुकसान है एक तरीके से कंपनी का, डीटीसी वालों का? क्या ये नुकसान अपने डिपार्टमेंट में बताएगा? नहीं बताएगा। तो
तो अगर ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है तो क्या इस खर्चे को इसने दिखाया यहाँ पे? सर नहीं दिखाया। जब इस खर्चे को इसने यहाँ पे नहीं दिखाया तो क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिल्कुल सही है 100%? नहीं है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? गलत होगा, हमेशा ज्यादातर चांसेस में गलत। लेकिन इस केस के अंदर आपने उधार माल खरीदा है तो वो प्रॉपर लिखेगा कि आप मेरे डेटर हो और आपका उधार माल को वो लिखेगा यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस गलत होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं बताऊं तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस गलत नहीं होता। इसको करने के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक रिटर्न स्किल नहीं चाहिए। बस आपने क्या करना है, टिकट देना है, पैसे लेना है, टिकट देना है, पैसे लेना है। तो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इसको करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, किसको उधार दिया, किस डेट पे दिया, कितना दिया, सारी चीजें लिखना होगा। तो यहाँ टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा। ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर या कहीं भी चले जाओ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये मोर एक्सेप्टेबल है और ये क्या है, लेस एक्सेप्टेबल है। इसके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पे रिलायबल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस शीट पे रिलायबल किया जा सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है एक्रुअल बेसिस अजम्पशन। तो एक्रुअल बेसिस अजम्पशन क्या कहता है, ये हमें इतनी सी बात बताता है कि आपने कैश को रिसीव किया हो और नॉट किया हो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि जिससे पैसे नहीं मिले उसको नहीं लिखोगे। प्रिंसिपल क्या कहता है, अजम्पशन क्या कहता है, आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं। कहता है, अकॉर्डिंग टू एक्रुअल अजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड विच दे बिकम ड्यू। जब आपका लेना बनता है, ड्यू का मतलब लेना बनता है, तभी रिकॉर्ड करना, रेदर देन वेन दे आर रिसीव और पेड। कब उसको रिसीव करेगा और कब पेड करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल से इतना सही डेफिनेशन है, बाकी यार आगे डिटेल में मैंने लिखा है। और कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। हमें तब इसमें एंटर करना चाहिए जब हमारा ड्यू हुआ, ना कि तब जब सेटलमेंट होगा, तब हमें देखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना होगा जब सेल्स कर देंगे, और सर्विस रेंडेड, और सर्विस को देने को क्या बोलते हैं, रेंडेड करना, सर्विस दे देंगे, रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट कैश रिसीव और नॉट, चाहे कैश रिसीव किया है चाहे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म शुड सोल्ड द गुड्स 27 January 2015 टू मंथ क्रेडिट, देन सेल मस्ट बी रिकॉर्ड 27 January। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इससे पहले वहां भी यही बातें बोली गई थी। एंड अमाउंट विल बी रिसीव इन ऑगस्ट, सिमिलरली एक्सपेंस रिकॉर्ड। तो ये सारी बातें आपको सिंपल सी मैं बात बताऊं तो एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि आपके पैसे कब आएंगे नहीं आएंगे इससे मतलब नहीं है, आप इसको लिख लो। लिख लो को बोला गया रिकॉर्ड करना, तो एक्रूवल अजम्पशन। एक्रुअल में कौन सी वाले ट्रांजैक्शन को लिखोगे भाई, चाहे कैश हो उसको तो लिखते ही हैं, क्रेडिट वाले को भी क्या करो आप लिख लो। किसको, खर्चे को, इनकम को, चाहे खर्चा हो आपका चाहे इनकम, दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। अब फटाफट से एक बार नोट करिए, फिर हम अगले पे देखते हैं। फटाफट नोट करिए। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्रिंसिपल, एक तरीके से हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ अकाउंट में भी देखा था।
ये प्रिंसिपल क्या कहता है? वैसे धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, फिर भी हमें दे रखा है तो हमें पढ़ना है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे मान लो आपने बिल्डिंग बिल्डिंग सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपए का खरीदा है। अब लैंड और बिल्डिंग जो आपने खरीदा 1 लाख का, इसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस है कि बढ़ता है। तो 2010 में आपने इसको अगर 1 लाख का खरीदा है और 2011 में अगर ये 2 का हो जाए, तब भी आप पता है कितने का लिखोगे बिल्डिंग? 1 लाख रुपए का, यानी जिस रेट पे खरीदा है। 2015 में अगर ये 20 लाख का हो जाए, तब भी आप बिल्डिंग लिखोगे? 20 तो नहीं होगा, खैर 1 लाख का, 5 लाख का हो जाए तो 5 लाख लिखो, सॉरी 1 लाख ही लिखोगे, 1 लाख ही लिखोगे, ठीक है ना? क्लियर? तो आपको जो यहां पे दिखाना है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, कि हम उन चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, या डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं हम एसेट्स के ऊपर, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं। मान लो आप सोचते हो 10% वैल्यू में गिरावट आएगी, तो आप 1 लाख पे ही तो लगाओगे, 5 लाख की वैल्यू है उस पर तो नहीं लगाओगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें यही बताता है। चलिए एक बार पढ़ के, क्योंकि ज्यादा है नहीं इसमें कुछ, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट। एक चीज और है, नोट करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस पेड टू एक्वायर, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जाएगा जिस पे इसने क्या किया है, एक्वायर किया है। एक्वायर मतलब खरीदना। इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट, और इट जो कॉस्ट है वो हर एक सब्सिक्वेंट जितने भी इवेंट होंगे उसका बेसिस माना जाएगा। कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट, जितने भी अकाउंटिंग करोगे, डेप्रिसिएशन हो जाए, अप्रिसिएशन हो जाए, इसी को बेस मान करके करना है। आगे कहता है एसेट्स इज रिकॉर्ड कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट परचेज इज साइमल्टेनियसली रिड्यूस इन द वैल्यू चार्ज डेप्रिसिएशन। जब खरीदते हैं तो हमें उसी वैल्यू पे दिखाना होता है जिस टाइम पे खरीदा, जब उसको रिड्यूस करना होगा ना, तो डेप्रिसिएशन हम उसी वैल्यू पे बार बार लगाते हैं जिस रेट पे हमने खरीदा हो। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में भी चेंज विद द पासिस ऑफ टाइम, बट अकाउंटिंग पर्पस द कंटिन्यू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बुक वैल्यू। हमें क्या करना होता है, चेंज होता रहता है टाइम जाते जाते, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड किस पे करते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है पता है? जैसे मेरा मोबाइल फोन मान लो 20,000 का है, ठीक है, और उसके कितने डेप्रिसिएशन, 1% लग गया, 10%, 2,000, तो अब बचा कितना हमारा, 18,000। तो इस 18,000 को हम बुक वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना, याद रखना। तो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू, बुक वैल्यू इज इक्वल टू परचेज प्राइस या कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में से माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमने देखा था ना, SLMWDV, तो उसे बुक वैल्यू कहेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में भी चेंज विद द पासिस ऑफ टाइम, बट द अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यू टू बी शो इन द बुक ऑफ अकाउंट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे शो करेंगे चाहे टाइम कोई भी पासिस हो जाए। कॉस्ट ऑफ विच परचेज माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट, यही मैंने लिख दिया है बुक वैल्यू का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स इज परचेज ₹5 लाख, 5 लाख का एसेट्स खरीदा, ठीक है, हमने एसेट्स जो खरीदा कितने का खरीदा, 5 लाख का। एंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द फाइनल अकाउंट, और जब हमने खरीदा उस टाइम पे फाइनल अकाउंट, इवन इफ मार्केट वैल्यू से 4 लाख, चाहे मार्केट वैल्यू आपका 4 लाख रुपए हो और चाहे 7 लाख हो, येट द एसेट शुड बी रिकॉर्ड एट 5 लाख। तो सिंपल सी लॉजिक है, हम जितने भी एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे, घटाना बढ़ाना, वो किस प्राइस पे लेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस रेट पे खरीदा गया था। आज की डेट पे एसेट्स का 5 लाख हो जाए, आज की डेट पे एसेट्स का 7 लाख हो जाए और मैंने 2 लाख में ही खरीदा था, या आज की डेट पे 1 लाख हो जाए और मैंने खरीदा 2 लाख का था, तो हमें उसे 2 लाख के वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करके सारे ट्रांजेक्शन करेंगे,
तो यही हमारा बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। चलिए फटाफट से नोट करिए, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? पुरानी कीमत। और कॉस्ट का मतलब जितने का खरीदा था, परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस। चलिए फटाफट नोट करिए आप, फटाफट से जल्दी जल्दी नोट करिए, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और लास्ट कॉन्सेप्ट है, लगभग एक रह जाएगा आपका डुअल एस्पेक्ट, वो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना तब मैं कंपेयर कर पाऊंगा, अभी नहीं। तो वेरिफेबल आपका जो होता है, वेरिफेबल मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना, वेरीफाई मतलब किसी चीज को चेक करना, चेक करना, वेरीफाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। आप सपोज करो मेरा सेल्स जो है 50 लाख रुपए का है, सिंपल सा एग्जांपल देखना, और मेरा खर्चा जो है 20 लाख का है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख रुपए का, ठीक है ना? हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 लाख रुपए का। ये मैं कहता हूं, ये राम कहता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहता है जी आपकी सेल जो है वो है 60 लाख रुपए का, और जो आपका एक्सपेंस है वो सिर्फ है आपका 15 लाख रुपए का, और आपका प्रॉफिट होना चाहिए कितने? 45 लाख रुपए। आपको इस पे टैक्स देना है, लेकिन आप कहते हो सर हमें इस पे टैक्स देना है। अब बताइए, इनकम टैक्स ने अगर 45 लाख निकाल के बताया है अपनी मर्जी से, तो क्या आप इस पे सरकार को टैक्स दे दोगे क्या? आप बिल्कुल भी इस पे टैक्स नहीं दोगे। आप बोलोगे सर हम तो 30 पे देंगे, और इनकम टैक्स वाला भी इतना जिद्दी है कि वो भी आपसे इसी पे टैक्स मांगेगा। ऐसे करते करते ये जो आपका डिस्प्यूट है वो कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट में जाने के बाद आपको सबूत देना पड़ेगा। किस चीज का सबूत? एविडेंस देना पड़ेगा कि आपकी सेल 50 लाख की है। तो एविडेंस कैसे दोगे? आपने जब सेल करा होगा ना, तो उस टाइम पे बिल लिया होगा, कस्टमर को बिल दिया होगा, खर्चे के टाइम पे आपके पास बिल पड़ा होगा। तो जो ये बिल होते हैं ना, खरीदते और परचेज करते टाइम पे, खर्चे के टाइम पे होता है, इसको बोलते हैं वाउचर। इसको क्या बोलेंगे? वाउचर। तो इस बिल को बोलते हैं वाउचर, और इसको सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं। इसको हम सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं। तो वेरीफेबल ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि हमें जब कभी भी अपने बिजनेस के अंदर इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, तो हमें हर चीजों के सबूत, हर चीजों के आपके वाउचर को संभाल के रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में हम उसको प्रूफ कर पाए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि इसमें आपने घर के लिए आपने कपड़े खरीदे, उसका परचेज का बिल लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस क्या कभी बिजनेस में दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के जज को दिखा देते हो, तो जज आपको बोलेगा ठीक है आपकी इनकम 30 है और 30 पे टैक्स दीजिए, और गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ ठीक है अब 30 पे ही दे दो, जब आप केस जीती गई हो तो किस पे देना होगा? 30 पे। तो चलो एक बार मैं पढ़ देता हूं वेरीफेबल ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है कि वेरीफेबल का मतलब क्या है? कि आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं बस। कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर। जितने भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे उसका उद्देश्य होना चाहिए, एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस। मतलब आपके पर्सनल कुछ खर्चे ना हो, पर्सनल कोई इनकम ना हो, पर्सनल के अलावा हो।
इट इम्प्लाई, और इम्प्लाई का मतलब होता है हिडन, माना जाएगा, दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाउचर। और ये माना जाता है कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया है इन सभी का आपके पास प्रॉपर सबूत होता है। ये कौन कहता है? ये कहेगा वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट। दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड कैश मेमो इनवॉइस बिल। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा, सपोर्टिंग वाउचर होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है? कैश मेमो हो सकता है। सर कैश मेमो क्या होता है? जब नगद में खरीदारी करते हैं और वहां से जो पर्ची मिलती है उसे कैश मेमो बोलते हैं। इनवॉइस क्या होता है? जब उधार में खरीदारी करेंगे तो जो पर्ची मिलेगी उसे बोलेंगे हम इनवॉइस, ठीक है ना। और बिल, फॉर एग्जाम्पल कैश परचेज ऑफ गुड्स शुड बी सपोर्टेड बाई कैश मेमो, क्रेडिट परचेज बाय एन इनवॉइस। और यहीं तक आपको बताया गया है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने देखा क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन। फटाफट क्विकली 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में रिवाइज करूंगा, ध्यान से देखना। गोइंग कंसर्न, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, आपको ये अजम्पशन लेना है। नंबर टू, अकाउंटिंग पीरियड, जिस टाइम के लिए अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करो उसे अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे। फुल डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट के नीचे सारी बातों को डिस्क्लोज करो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड अच्छी बातें हो चाहे बेकार, यानी मटेरियल या मटेरियल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये एक्सेप्शन केस होता है फुल डिस्क्लोजर का, सिर्फ मेन बातों को दिखाया जाता है, छोटी बातों को एक बार इकट्ठा करके दिखा सकते हो। ड्यूअल एस्पेक्ट, सॉरी ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं, प्रूडेंस प्रिंसिपल, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो। इसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल, जिस साल का खर्चा हो उसी साल के इनकम से मैच करो। इसके बाद क्या था हमारा? इसके बाद क्या देखा था? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, मैं भूल गया, जल्दी जल्दी बताओ। कॉस्ट प्रिंसिपल, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसी को बेस मान के हम सारा काम करते हैं, चाहे मार्केट में प्राइस कम हो जाए चाहे हमारा प्राइस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हमें सेल को तब मानना चाहिए जब मैंने गुड्स सामने वाले पार्टी को दे दिया है और सामने वाले से बोले कि मेरे पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, तो उसे हम सेल मानेंगे। पेमेंट कब मिला या कब देगा उससे मैटर नहीं करता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, नगद या उधार कोई भी ट्रांजेक्शन हो हमें उससे मतलब नहीं है, जब हमें पैसे, सॉरी कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों जब हो तो उसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और पेमेंट कब मिलेगा या कब दिया है वो मैटर नहीं करता, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तब करना होता है जब हमारा ट्रांजेक्शन इवेंट हो जाता है। मनी मेजरमेंट, सिर्फ पैसे वाली चीजों को रिकॉर्ड करना है, बिना पैसे वाली चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है, जैसे कि स्ट्राइक, डिस्प्यूट एंड एक्सेट्रा। इसके बाद बिजनेस एंटिटी, मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, हमें अकाउंटिंग जो करनी पड़ती है बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां तक हमने देखा, कोई रह तो नहीं गया, कंजर्वेटिव भी हो गया, सारा यहां तक हमने कर लिया। एक्रूअल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में एक बार जो मेथड आपने लगा दिया उसी को बार बार अप्लाई करना है, चेंज नहीं करना है, ताकि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, ठीक है। तो चलो हम आज इतना ही करेंगे थर्ड चैप्टर में, इसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन किया था, ऑब्जेक्टिव किया था, एडवांटेज, सेकंड में कुछ मीनिंग देखे थे, वो मीनिंग देखो आज भी काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। चलिए फटाफट आप इसको नोट करिए अब आप।